ये देखिए, ये जो है हमारे पास एक फंक्शन है, ये आइटरेटिव है. आइटरेटिव का क्या मतलब है, अगर यू हैव टू हैव गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ फैक्टोरियल, तो लेट्स से फॉर एग्जांपल फैक्टोरियल ऑफ फोर किस तरह होगा, उसको हम ऐसे लिखेंगे, फोर फैक्टोरियल इज इक्वल टू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, और ये हमारे पास क्या बनेगा, 24. सो दिस इज बेसिकली द फैक्टोरियल. अब अगर हम इसको आइटरेटिवली लिखेंगे, तो आइटरेटिवली अगर आप देखें तो जो एकदम अंडरस्टैंडिंग वाला केस होता है, फ्रॉम द नंबर गिवन टू द नंबर वन, ठीक है, तो यहां तक हम जाएंगे. तो दिस इज आवर फैक्टोरियल. तो बेसिकली वी आर गोइंग फ्रॉम एन टू वन, सो दिस वन इज सेड टू बी द बेस केस. ऑलराइट, सो बेस केस जो है वो, एक सेकेंड रुकिएगा, बेस केस इज वन, फैक्टोरियल वन इज वन, सही है, तो ये हमारा बेस केस हो गया. ऑलराइट, सो अब ये फैक्टोरियल हमारे पास आइटरेटिव है. आइटरेटिव का क्या मतलब है कि वी हैव नॉट यूज्ड एनी ऑफ द व्हाट डू वी से कॉलिंग ऑफ फंक्शन बाय इटसेल्फ, रादर इट इज सिंपल विद द हेल्प ऑफ लूप. सो एक फंक्शन है जिसमें आपने इसको एन के साथ कॉल किया, इसका नाम है फैक्टोरियल, उसने एक लोकल वेरिएबल बनाया वन, उसको असाइन कर दिया वन. अब फिर हमने जो वैल्यू हमारे पास आई है, लेट्स से दैट इज फोर, तो हम फोर से लेके वन तक ये लूप चलाएंगे. जीरो लिखेंगे तो ये वन पे खत्म होगा, ठीक है ना, और फिर जो रिजल्ट है, रिजल्ट इंटू आई करते रहेंगे, तो वन इंटू फोर हो जाएगा, फिर फोर इंटू थ्री हो जाएगा 12, फिर 12 इंटू टू हो जाएगा 24, फिर 24 इंटू वन, और दैट विल बी द बेस केस. तो देन इट विल रिजल्ट, इट विल रिटर्न द रिजल्ट थिंग. अगर हम यही रिकर्जन के साथ करते हैं, तो अब इसमें क्या है कि एवरी फंक्शन विल बी कॉलिंग इटसेल्फ रिकर्सिव. तो अब रिकर्सिव में क्या होगा, रिकर्जन इज व्हेन अ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ अंटिल इट रीचेस अ बेस केस, ठीक है. सो अब क्या होगा कि फंक्शन अपने आपको कॉल कर रहा है. अब आप देखें इस फंक्शन का क्या नाम है, रिकर्सिव फैक्टोरियल, और देखें अब ये इस फंक्शन की बॉडी है, ये इस फंक्शन की बॉडी है. तो अब ये रिकर्सिव फैक्टोरियल जो है इसकी बॉडी में दोबारा इस्तेमाल हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि इन द बॉडी ऑफ दिस फंक्शन इज कॉलिंग इटसेल्फ, ठीक है. तो दैट इज हाउ द रिकर्जन वर्क्स. अब आप देखें जब व्हेन इट इज कॉलिंग इटसेल्फ, तो एन इज डिक्रीजिंग इन एवरी कॉल बाय वन, तो दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज बेसिकली योर बेस केस. तो ये क्या होता है, ये हमारा जो है रिकर्सिव केस है, यानी कि जब तक ये बेस केस नहीं आता, ये एल्स में जाता रहेगा. और हर बार क्या होगा, जब आपने इसको फोर भेजा होगा, तो दिस विल बी फोर माइनस वन, तो इसके बाद जब ये अपने आपको कॉल करेगा, तो थ्री के साथ कॉल करेगा, फिर वो थ्री जो होगा टू के साथ कॉल करेगा अपने आपको, फिर टू जो होगा वो वन के साथ करेगा, तो फिर ये हमेशा, तो सारी उम्र तो नहीं ये करता रहेगा ना अपने आपको कॉल, तो बेस केस अकर होगा. जैसे बेस केस अकर होगा, रिटर्न होना शुरू होगा, जो वैल्यू रिटर्न होगी वो इसको सब्सटीट्यूट करेगी. तो सबसे पहले वन रिटर्न होगा, तो वन सब्सटीट्यूट करेगा, और वन जो होगा वो टू के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है. फिर यहां से बनेगा टू, क्योंकि ये यहां से रिटर्न होना शुरू हुआ है ना, तो जब ये यहां से रिटर्न होगा, तो इसको रिप्लेस कर देगा वन, तो ये होगा एन उस वक्त टू, तो टू इंटू वन टू हो जाएगा. और फिर ये जो टू इंटू वन होगा वो थ्री के साथ वापस आएगा. अब फिर जब वो यहां पे आएगा, तो यहां पे टू आएगा और यहां पे थ्री होगा, तो थ्री इंटू टू सिक्स हो जाएगा. फिर वो जब रिटर्न करेगा थ्री इंटू टू सिक्स, तो वो फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो फिर यहां पे होगा फोर, और ये वैल्यू लेकर आया होगा सिक्स, तो सिक्स इंटू फोर हो जाएगा, और सिक्स इंटू फोर होने के बाद हमारे पास जो है वो जो है आंसर आ जाएगा 24, ठीक है. तो ये हमारे पास फाइनल, अब क्योंकि फाइनल कॉल लगी हुई होगी कहीं बाहर से, जैसा कि हमने यहाँ पे लगाई हुई है, तो फिर वो जो फाइनल रिजल्ट होगा जब आखिर में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिकर्जन जो है वो इस तरह चलती है कि हम उसको बिल्कुल मैक्सिमम साइड से कॉल करते हैं, वो बेस केस पे पहुंच के खत्म होती है, बेस केस के बाद जो फाइनल रिजल्ट होता है वो जिसने ओरिजिनली कॉल किया हुआ होता है उसके पास चला जाता है. तो अब इसमें क्या हुआ कि हमारे पास रिजल्ट आया, दोनों में रिजल्ट बराबर आता है. अब होता क्या है कि रिकर्जन में मेमोरी ज्यादा यूज होती है, तो हम अननेसेसरली जो है वो रिकर्जन इस्तेमाल करते नहीं. अगर आप इस आइटरेटिव रिकर्जन को, जिसमें हमने सिर्फ एक फॉर नेक्स्ट का लूप लगाया है, और इस रिकर्सिव रिकर्जन मतलब फैक्टोरियल को, आइटरेटिव फैक्टोरियल को और इस रिकर्सिव फैक्टोरियल को अगर हम एक दूसरे के साथ कंपेयर करें, तो रिजल्ट वाइज तो दिस इज नॉट डिफरेंट, लेकिन अगर हम इसको देखें तो बेसिकली दिस इज हैवी ऑन प्रोसेसर, हैवी ऑन मेमोरी, एंड दिस इज ईजी ऑन प्रोसेसर, ईजी ऑन मेमोरी. दिस रिक्वायर्स अ स्टैक इन द मेमोरी, क्योंकि व्हेन अ फंक्शन कॉल्स अनदर फंक्शन, तो इट एक्चुअली मेक्स यूज ऑफ स्टैक. तो जो प्रीवियस वैल्यूज प्रिजर्व करनी होती, ताकि जब ये वापस आए और वहीं से आगे आपको कंटिन्यू करना हो, तो स्टैक से जो हमने पुश किया होता है उसको हम पॉप करते हैं. सो द स्टैक नंबर ऑफ स्टैक आइटम्स जो होंगे वो उतने ही होंगे जितने आपके पास यहाँ पे फंक्शन कॉल्स हो रही हैं, ठीक है, माइनस वन. तो अब इसको हम कहते हैं डेटा सेट. तो अब आप देखें इसके अंदर आपके पास इटरेटिव जो फैक्टोरियल है उसमें डेटा सेट में दो आपके पास वेरिएबल्स हैं, एन और रिजल्ट और आई, ठीक है. एन रिजल्ट और आई को हमने यूज किया हुआ है लूप चलाने के लिए और रिजल्ट को जनरेट करने के लिए. तो अब इस डेटा सेट में कभी भी कोई चेंज नहीं आएगा, एक एन होगा, एक रिजल्ट होगा, एक आई होगा. आई की वैल्यू चेंज होती रहेगी, रिजल्ट अपडेट होता रहेगा, लेकिन इसमें क्या होगा, एक एन है,
और उसके बाद जो है वो एन ही है, लेकिन इस एन की वैल्यू जो होगी वो स्टैक में पुश होगी। जब दोबारा ये कॉल होगा तो एक और एन क्रिएट होगा, जब दोबारा कॉल होगा एक और एन क्रिएट होगा, एंड एवरी टाइम इट इज कॉलिंग बिफोर कॉलिंग, तो जो करंट एन है वो स्टैक में पुश हो जाएगा। सो स्टैक वुड हैव एज मेनी एन्स एज द नंबर ऑफ कॉल्स माइनस वन, क्योंकि आखिरी वाला जो होता है वो तो रिटर्न होता है बाहर। तो बाय सेइंग दैट recursion is having as many entries of the data set. अब देखिए इसमें एक n है, हम इसको जितना complicated करते चले जाएंगे number of local variables and parameters में increase. So the one set of parameters and variables is called one data set. So in iterative recursion there will always be one data set and no stack at all, but in recursive factorial and recursive functions we would have as many as the number of calls data sets and a stack to hold them. So that is basically heavy on processor and memory. And let's say if you could not furnish a proper base case, in that case to ye recursion jo hogi wo ek unlimited recursion ho jayegi aur wo hame bahut pareshan karegi. Theek hai, acha to ye ho gaya hamare paas recursion. Ab recursion ke andar hamare paas bahut sare cases ho sakte hain. Ek example to maine aapko ye diya hai, ab main aapko dusri examples deta hu. तो अब आप देखें कि एज वी नो दैट रिकर्जन जो है वो हमारे पास जरूरी तो नहीं है। अगर हमारे पास एक डाटा सेट है और छोटा सा काम हो रहा है तो आइटरेटिव फैक्टोरियल, अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि इज इट ओके टू यूज रिकर्जन व्हेन इट इज नॉट रिक्वायर्ड एंड इट कैन बी डन यूजिंग आइटरेटिव फैक्टोरियल, तो सॉरी आइटरेटिव फंक्शन, तो आप बोलेंगे कि इट इज बेटर टू यूज आइटरेटिव फंक्शन। आप देखें एक और एक दो और एग्जांपल्स हम देख लेते हैं, इसको मीनवाइल हम चला के देख लेते हैं। आप देखें इसके लिए मैंने एक सिंपल सा लूप बनाया है। तो सिंपल सा लूप ये है कि हम इसके अंदर फॉर आई इज इक्वल टू इन द रेंज 1 टू 10 हो गया, 1 टू 11 है, 1 टू 10 चलेगा, और फिर हम क्या करेंगे आई को पहले हम आइटरेटिव फैक्टोरियल के साथ कॉल कर रहे हैं और फिर हम इसको कॉल कर रहे हैं रिकर्सिव फैक्टोरियल के साथ। अब जब मैं ये एग्जीक्यूट करूंगा कोड तो आप देखें फर्क दोनों में कोई भी नहीं होगा इनके रिजल्ट्स में, कि दोनों के रिजल्ट जो है वो सेम होंगे। तो जब आई वन है तो दोनों ने वन दिया, आई टू है दोनों ने टू दिया, थ्री है तो सिक्स दिया, फोर है तो 24 दिया। देखें ये वाली जो ये आउटपुट्स हैं ये बेसिकली आ रही हैं सिंपल वाले फैक्टोरियल से, आइटरेटिव वाले से, और ये वाली जो आउटपुट्स आ रही हैं ये आ रही हैं हमारे पास रिकर्सिव वाले से। दोनों में किसी भी किस्म का फर्क नहीं है, लेकिन टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन का डेफिनेटली फर्क होगा। तो आप देखें एक चीज मैंने आपको पढ़ाई थी बिगो नोटेशन, तो इसमें जो है वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो हमें डिस्कस कर लेनी चाहिए इस वक्त। तो जो इसके अंदर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो बेसिकली होगी कि ओ ऑफ एन, द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रिकर्सिव फैक्टोरियल फंक्शन इज ओ ऑफ एन, वेयर एन इज द इनपुट टू द फंक्शन। ठीक है, वेयर एन इज द इनपुट टू द फंक्शन, दिस इज बिकॉज द फंक्शन नीड्स to make n minus 1 recursive calls in order to compute the factorial of n. Each recursive call requires a constant amount of time to execute. Ab aap dekhiye kyunki ek hi variable hai na, to time mein fark nahi padega, lekin number of times jo chalega usme fark padega. To each recursive call requires a constant amount of time to execute and the number of recursive calls made is proportional to n. All right, is proportional to n. Therefore the time complexity of factorial function is, to yahan pe factorial time complexity is O of n. ठीक हो गया, O of n हो गया। It is worth noting that while recursive implementations of factorials are elegant and easy to understand, they can be inefficient for large values of n due to the large number of function calls required. For this reason, it is often preferable to use an iterative implementation for computing factorials in actual codes. ठीक है, so basically इसकी जो हमारे पास time complexity है उसमें कभी भी फर्क नहीं आएगा, ये बढ़ती चली जाएगी। All right, तो अब हम थोड़े से और examples की तरफ आ जाते हैं। तो ये हमने एक एग्जांपल तो यहाँ पर देख लिया। अब एक होता है फिबोनाची, हमारा जो है वो नंबर्स, फिबोनाची नंबर्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, फिबोनाची नंबर्स होते हैं, उनको देख लेते हैं। फिबोनाची सीक्वेंस। हाँ बेटे, फिबोनाची सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस है, फिबोनाची सीक्वेंस होता है, उसको हम देख लेते हैं। उसमें जो नंबर जनरेट होते हैं उसको हम किस तरीके से हैंडल करते हैं हम वो देख लेते हैं। ठीक है ना, अब देखें हम यहाँ पर तो सबसे पहले तो इसको देख लेते हैं। मैं आपको समझा देता हूँ कि वॉट आर, ताकि आपको आसानी रहे, वॉट आर Fibonacci sequence. What are Fibonacci numbers? What is Fibonacci sequence? अच्छा, जो Fibonacci sequence है, वो basically जो है वो एक series of number है. The Fibonacci sequence is a series of numbers in which each number is the sum of two preceding numbers. In sequence,
It is a start with 0 and 1, and then each subsequent number is the sum of the two preceding ones. So, iska kya matlab hua ki agar hum Fibonacci sequence ki agar hum baat kare, to wo hoga, theek hai? To wo hoga, jaise first karein ki ye start hoga 0, 1, aur phir in dono ka addition hoga 1, phir 1 aur 1 ka addition hoga 2, phir un dono ka addition hoga 3, phir 3 aur 2 ka addition hoga 5, phir 5 aur 3 ka hoga 8, phir 8 aur 5 ka ho jayega 13, aur phir 13 aur 8 ka ho jayega 21, phir 34, then 55, then 89, then 144, or this way it goes on and on and on. Theek hai na? The sequence is named after the kya naam tha uska, Italian mathematician Leonardo Fibonacci, who introduced it in a book back in 1200 century something, I don't remember exactly. The Fibonacci sequence appears in many areas of mathematics and science. So isme jo hai ek area jo hai wo mujhe yaad hai, wo growth patterns of plants hai, the breeding patterns of rabbit hai, and the geometry of some natural forms hai. So hum jo usko istemal kar rahe, it is also used in algorithms such as Fibonacci mein search bhi hota hai, Fibonacci heap hoti hai. Hum to yahan pe sirf generation ke liye kaam kar rahe hain, theek hai na? To hum yahan pe Fibonacci numbers ki generation ke liye kaam kar rahe hain. So there is a question 504. Kahan bete? Ha, 555. This is 504. Thank you. So now, ab hum yahan par jo hai ek n bana lete hain, aur us n tak jo hai wo hum chalate hain isko. To ab aa jaye yahan par def Fibonacci, theek hai, aur n tak humne isko chala liya. Ab isme kya ho raha hai, iske andar jo hamara wo hoga kya kehte hain isko, बेस केस वो होगा हमारा कि एन की वैल्यू जीरो हो जाए, क्योंकि देखें यहाँ पे ये जीरो तक जाता है, मतलब जीरो से स्टार्ट हो रहा है, जीरो तक जाता है, ठीक हो गया. तो ये बेस केस हो गया, और ये जो है हमारे पास एक और बेस केस हो गया, ठीक है, ये भी बेस केस हो गया. अब इस बेस केस में दो कंडीशन हैं, जब ये जीरो होगा तो ये रिटर्न जीरो करेगा, और जब वन होगा तो रिटर्न ये वन करेगा, क्योंकि यहाँ से तो ये सीरीज हमेशा शुरू होती है, मतलब फिबोनाची सीक्वेंस इज अ सीरीज ऑफ नंबर्स, फिर द नेक्स्ट नंबर इज द सम ऑफ द प्रीवियस टू, एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम, सही है ना, जीरो एंड वन. तो जीरो वन जो है वो एक्चुअली starts with 0 and 1, मतलब there is no way out. तो इसमें 0 और 1 दोनों values होती हैं, तो दोनों base case में आएंगी. तो नहीं तो फिर क्या होगा, Fibonacci n minus 1 होगा plus Fibonacci n minus 2 होगा. So what does it mean n minus 1? My previous value and previous to previous value. तो अब ये दोनों जो हैं वो यहाँ पर add हो रहे हैं, ठीक है, अब ये दोनों यहाँ पर add हो रहे हैं. तो ये क्यों हुआ n minus 1 plus n minus 2, क्योंकि ये हम n हैं, let's say n है 3, तो n minus 1 2 होगा, और फिर n minus 2 जो होगा वो 1 हो जाएगा. तो 1 और 2 add होंगे, तो मेरी current value जो है वो generate हो रही है, तो ये return कर रहे हैं. तो ये इस तरीके से अब जनरेट होगा. अब हम इस वाले को जो है वो कर देते हैं, कमेंट आउट कर देते हैं, सही है, और एक और इसका टेस्ट बना लेते हैं, इस वाले का टेस्ट, द फिबोनाची नंबर, फिबोनाची फंक्शन, ठीक हो गया. अब इसको हम कर लेते हैं, हम 11 तक इसको चेक कर लेते हैं, ठीक हो गया. तो चलाते हैं इसको कोड को, देखिए क्या होता है, सेव कर लेते हैं इसको. तो आप इसमें देखें इसमें क्या हो रहा है, जीरो का जीरो आ रहा है, वन का वन आ रहा है, टू का टू पे भी वन आ रहा है, और फिर थ्री आ रहा है टू का. अच्छा ये बेसिकली देखें इसको हमने इस तरह किया है, ठीक है, आई की जो वैल्यू है हम पहले प्रिंट करें जीरो, फिर ये आई है, और फिर ये इसका फिबोनाची का सीक्वेंस है, ठीक है. तो हमने जीरो भेजा तो ये आ रहा है जीरो, वन भेजा तो वन आ रहा है, टू भेजा तो वन आ रहा है. टू पे क्यों वन आ रहा है, क्योंकि इससे पिछले दो जो है वो ये हैं जीरो वन, और फिर यहाँ पे टू आ रहा है, ठीक है. बेसिकली हो ये रहा है कि ये क्योंकि जीरो से सीरीज स्टार्ट हो रही है ना, तो जीरो का जीरो आएगा, वन का वन आएगा, ये दोनों तो आपके सीधे सीधे जो है वो है बेस केस, सही है. फिर टू पे जब आप होंगे तो ये जीरो वन को ऐड करेगा, जब आप थ्री पे होंगे तो ये टू और वन को ऐड करेगा, इस तरीके से ये चलता रहेगा. तो इसकी आउटपुट आ रही है. अब आप देखें यहाँ पर हमने इसको क्या देखा था, जीरो वन वन टू थ्री फाइव एट, यहाँ पे देखें जीरो वन वन टू थ्री फाइव एट, थर्टीन ट्वेंटी वन थर्टी फोर फिफ्टी फाइव, इस तरीके से आप जितना आगे तक चलते रहेंगे ये आपको जनरेट करके देता रहेगा, ठीक है बेटे. अच्छा अब हम आ जाते हैं, हमारे पास एक बाइनरी सर्च था, इफ यू डू रिमेंबर, तो उस बाइनरी सर्च को हम डिस्कस कर लेते हैं. पहले हम सीधी सिंपल वाली बाइनरी सर्च को डिस्कस कर लेते हैं आइटरेटिव के साथ. बाइनरी सर्च, बल्कि हम इसको लिखते हैं यहाँ पे आइटरेटिव बाइनरी सर्च, ताकि फिर हम उसको आइटरेटिव बाइनरी सर्च. अब इसका हम एक फंक्शन बना लेते हैं, सही है. अच्छा अब इसमें हमने इसको डेटा भेजा है. अब आपको मतलब आई एम टेकिंग हियर फॉर ग्रांटेड दैट यू नो हाउ बाइनरी सर्च वर्क्स, ठीक है. तो इसमें क्या होता है कि आप इसको जो है वो एक डेटा फॉरवर्ड कर दें, या अगर आपके पास ग्लोबल उसमें पड़ा हुआ है
स्कोप में तो उसको फॉरवर्ड करने की जरूरत नहीं है, और टारगेट जो है बेसिकली इट्स द वैल्यू व्हिच वी आर लुकिंग फॉर इन द बाइनरी सर्च. सो दिस इज, अब ये जो डेटा है, ये डेटा जो है दिस इज बेसिकली द लिस्ट और द एरे, अ सिंगल डायमेंशन लिस्ट और एरे, तो जिसके अंदर जो है वो आपके पास सारा का सारा डेटा रखा हुआ है, वी नीड टू सर्च फॉर इट. तो अब देखें, अब हमें क्या करना है कि हमारे पास एक लिस्ट होनी चाहिए, तो उस लिस्ट को हम भेज देंगे इस वाले फंक्शन को, बाइनरी सर्च आइटरेशन को. उस वो जो है रिसीव करेगा डेटा के अंदर एक अपनी लिस्ट बना के, और टारगेट ये वो वैल्यू है विच वी आर लुकिंग फॉर. अब जो बिल्कुल आपका फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे होगा उस वो जीरो इंडेक्स पे होगा, और लेंथ ऑफ जो हमारी डेटा होगी, जो एरे की लेंथ होगी, उसमें से माइनस वन हम करेंगे तो वो हाई होगा. अब जैसे 10 है ना, तो बेसिकली जो लेंथ का फंक्शन है वो एक्चुअल मीन्स में 10 बताएगा, ठीक है ना, वो एक्चुअल मीन्स में 10 बताएगा. तो एक्चुअल मीन्स में जब वो 10 बताएगा तो बेसिकली हमें 0 से 9 तक जाना होगा, दैट इज वाई हमने इसको हाई और लो में 0 और 9 इस्तेमाल किया होगा. अब मीन्स दिस सिंपल फंक्शन कैन एक्सेप्ट एनी साइज ऑफ द क्या कहते हैं उसको, लिस्ट. सो अब ये क्या होगा कि अब बेसिकली होता ये है, इफ़ यू डू रिमेंबर, कि जो हमारे पास वैल्यू आती है हम मिड कैलकुलेट करते हैं एक एरे का, और उस मिड पे जो भी इंडेक्स बनती है उस इंडेक्स को जो है वो हम मेजर करते हैं टारगेट के साथ. अगर हमारा टारगेट उस मिड से ऊपर है तो हम जो हमारा हाई है मतलब अपर बाउंड है उसको रिड्यूस कर लेते हैं, और अगर वो टारगेट से नीचे है मतलब टूवर्ड्स द हाई है तो फिर हम लो को अपडेट कर लेते हैं टूवर्ड्स द मिड. और इसके बाद हम ये भी चेक करते हैं उससे पहले कि क्या वो बराबर है, क्या हम उस पर पहुंच गए. तो इट मींस दैट एवरी टाइम वी आर गोइंग थ्रू दिस लिस्ट वी आर रिड्यूसिंग इट इनटू हाफ, चलता रहेगा. अब हम इसी को अगर हम आइटरेटिव के बजाय हम इसको यहाँ पर हम एक रिकर्सिव बना लेते हैं बाइनरी सर्च, और अब इसमें देखें हमें जो है वो डेटा सेट बड़ा होगा, क्योंकि इसमें हमें डेटा भी भेजना है, टारगेट भी भेजना है, लोअर हाई भी भेजना है. तो अब हम इस डेटा सेट को जो है वो इंक्रीज कर लेते हैं. अब क्या होगा, यहाँ पर आपने जो डेटा भेजा ये आपका लिस्ट है, ये टारगेट है विच यू आर लुकिंग फॉर, ये इसका लोएस्ट पॉइंट है, ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है. तो अब क्या होगा कि अगर लो हाई से बड़ा हो जाता है, यानी कि यहाँ पे जब तक लो जो है वो हाई से छोटा है इसका मतलब है कि वी आर विद इन द लिस्ट. जब लो हाई से बड़ा हो जाएगा तो इसका मतलब है कि डेटा वॉज नेवर फाउंड, आइदर द हाई वॉज शॉर्टनिंग टू हाफ एंड हाफ एंड हाफ एंड हाफ एंड इट हैड गॉट शॉर्टन सो मच दैट इट हैड बिकम लोअर देन लो. तो इन दैट केस वी विल डिड्यूस दैट इट इज नॉट फाउंड, तो हम रिटर्न कर देते हैं फॉल्स. और अगर हमें वो मिल जाता है तो हम रिटर्न कर देते हैं ट्रू, वो मिल गया है, ठीक है. अच्छा, अब इस केस में क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो है वो हम जब हमें लोअर हाई रिसीव हो रहा है, क्योंकि अब हम यहाँ पे फॉर नेक्स तो लगा नहीं रहे ना, वाई लगा रहे हैं, हम तो यहाँ पे सीधे सीधे इफ लगा रहे हैं, बिकॉज इट इज रिकर्सिव. एवरी टाइम देयर इज अ न्यू रिकर्जन तो हम इसको जो है वो अब दोबारा कॉल करेंगे. तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है रिकर्सिव बाइनरी सर्च की, वो मैंने आपको पहले पढ़ाया था कि द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रिकर्सिव बाइनरी सर्च एल्गोरिथम इज ओ लॉग एन, ठीक है. तो पहले हम उसको यहाँ पे जरा देखें, रिकर्सिव की जो रिकर्सिव बाइनरी सर्च टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो इज ओ लॉग एन. अब वेयर एन इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे वी आर लुकिंग फॉर, जो जितना बड़ा डेटा है जो उसकी लेंथ है वो एन है. सो इन रिकर्सिव बाइनरी सर्च द सर्च स्पेस इज डिवाइडेड इनटू इन हाफ ऑफ ऑन रिकर्सिव रिकर्सिव कॉल. तो व्हाट डज इट मीन कि एवरी टाइम यू आर कॉलिंग, तो आपके पास क्या हो रहा है कि एरे की जो साइज है, अब इस साइज को हम क्या बोलते हैं, सर्च स्पेस. सर्च स्पेस इज बेसिकली द स्प्रेड ऑफ एरे. तो वो जो सर्च स्पेस है या साइज ऑफ द लिस्ट है, इट इज डिवाइडेड इन हाफ ऑन ईच रिकर्सिव कॉल. तो चाहे वो लो जो है वो आगे बढ़ जाए जो, या वो हाई जो है वो पीछे आ जाए, तो जो उसकी सर्च स्पेस है दैट इज रिड्यूसिंग. सो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू सर्च इज हाफ विद ईच आइटरेशन, ठीक होगा ना, ये हाफ होता चला जाएगा. एज अ रिजल्ट द नंबर ऑफ रिकर्सिव कॉल्स मेड इज प्रोपोर्शनल टू द लॉगरिथम ऑफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे, ठीक है ना. ईच रिकर्सिव कॉल रिक्वायर्स अ कांस्टेंट अमाउंट ऑफ टाइम टू एग्जीक्यूट, सो द टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एल्गोरिथम इज ओ लॉग एन. ये ओ लॉग एन हो गई. इट इज वर्थ नोटिंग अगेन दैट व्हाइल रिकर्सिव बाइनरी सर्च इज अ कॉमन एंड एलिगेंट इंप्लीमेंटेशन, आइटरेटिव बाइनरी सर्च इज ऑफ्टन प्रेफर्ड. आइटरेटिव वाली ना, ये वाली जो ये हमारे पास ऊपर है, इट इज बेसिकली प्रेफर्ड इन प्रैक्टिस ड्यू टू इट्स सुपीरियर परफॉर्मेंस एंड लोअर मेमोरी यूसेज, ठीक है ना. तो स्पेशली फॉर लार्ज एरेज, तो जब बहुत ज्यादा लार्ज एरेज या लिस्ट होती है तो ये हमें प्रेफर नहीं करना चाहिए. बहरहाल दिस इज पार्ट ऑफ द सिलेबस, तो ये हमें पढ़ना तो है. सो अब इसको हम दोनों को जो है वो टेस्ट कर लेते हैं कि इफ दे बोथ आर सही है. तो अब हम ये सबसे पहले एक एरे बना लेते हैं डेटा का, हम इसको बढ़ा लेते हैं. अच्छा, इसके लिए एक चीज़ तो मैं आपको बताना ही भूल गया, याद नहीं रहा मुझे बेसिकली, कि द एरे नीड्स टू बी इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है ना. दैट इट शुड बी सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर. इफ इट इज नॉट, देन लेट्स से दे हैव गिवन यू अ लिस्ट एन एरे, और उस एरे में जो है इन्होंने जो है वो
क्या नाम है आपको बताया ही नहीं है और वो जो एरे दिया हुआ है उसमें डेटा जो है वो सारा का सारा हैपहैज़र्ड है, तो यू वुड हैव टू फर्स्ट राइट आइदर बबल सॉर्ट और इंसर्ट सॉर्ट टू मेक इट सॉर्टेड एंड देन यू विल गो फॉरवर्ड। ठीक हो गया, तो जनाब अब हम चलते हैं। अब हमने ये डेटा जो है वो क्रिएट कर लिया। अब हम यहाँ पर सबसे पहले आइटरेटिव को कॉल करते हैं। आइटरेटिव को हमने कॉल किया वैल्यू 5 के साथ। अभी 5 यहाँ पे रखी हुई है, तो सबसे पहले इसका मिडिल कैलकुलेट होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है ना, तो 4 पे क्रिएट होगा 0, 1, 2, 3, 7। अब क्योंकि 7 पे है तो 7 पे, तो 5 तो 7 से कम है, तो ये जो हमारा हाई होगा ये हमारा 5 पे आ जाएगा, 3 पे। ठीक है, 3 पे हो जाएगा। अभी दोबारा जो है वो चलना शुरू करेगा। अब इसका जो मिडिल कैलकुलेट होगा वो ये होगा, फिर इसका लो हाई हो जाएगा, फिर दोनों जो है होंगे वो 1, 2 पे आ जाएंगे, 0, 1, 2 पे, और इसके बाद जो है इवेंचुअली 5 विल बी फाउंड। अब इसी में हम जो है वो इसी को कॉपी करते हैं और इसमें हम जो है वो फाइंड करने की कोशिश करते हैं फिर 53 जो कि हमारे पास नहीं है। इसके बाद हम आइटरेटिव में जाते हैं, रिकर्सिव में जाते हैं, और इसमें हमने क्या किया, बाइनरी सर्च रिकर्शन, रिकर्सिव कॉल किया। फिर हमारे पास देखें इसके बाद क्या आ रहा है, टारगेट। तो टारगेट हमारा 5 है, लो हमारा 0 है, और हाई हमारा क्या होगा, जो भी लेंथ ऑफ डेटा है -1। अब लेंथ ऑफ डेटा क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो ये 9 चला जाएगा। ठीक है, और फिर हम इसी को जो है वो दोबारा कॉल कर लेते हैं 53 के लिए, तो 53 के लिए ये मिलेगा नहीं। अब ये हमने क्या किया, एक बार हमने आइटरेटिव को नॉन एग्जिस्टेंट एलिमेंट के लिए सर्च किया, एक बार एग्जिस्टिंग एलिमेंट के लिए सर्च किया, और इसी तरीके से हमने रिकर्सिव को भी सर्च कर लिया। अब देखिए, तो लेट अस एग्जीक्यूट इट। सॉरी, इसको हम जो है लेट अस एग्जीक्यूट इट। ठीक है, तो पहली बार में क्या हुआ, हमें 5 जो है वो मिल गया, तो हमारे पास ट्रू रिजल्ट आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास वो इंडेक्स आ जाए तो आप इंडेक्स रिटर्न करा लें। 53 पे आपके पास फॉल्स रिजल्ट आ रहा है, फिर आपने रिकर्सिव को फॉर 5 सर्च किया तो ट्रू रिजल्ट आ रहा है एज इट वॉज फाउंड, और उसके बाद हमारे पास ये 53 के लिए हमारे पास फॉल्स रिजल्ट आ रहा है, सो इट इज वर्किंग फाइन। So this was recursion. So let us now find out recursion in past papers, or let's solve that. Okay, all the past paper questions, as many as there are. अब ये पास पेपर के क्वेश्चन हैं, ये हम ले लेते हैं और इसमें हम रिकर्जन तलाश करते हैं। तो रिकर्जन जो है बेसिकली इट यूज टू अपियर इन P2 बहुत पहले, और फिर उसके बाद वो P3 में था, फिर क्योंकि P4 हमारा प्रोजेक्ट होता था, फिर वो P3 से निकल के अब वो P4 में आ गया है, तो अब जो है वो हमें अक्रॉस P3 P4 दोनों में मिलता है। तो हम इसको अब सर्च करते हैं। ये 19.2 में आ रहा है हमारे पास, और इसके बाद जो है अब आप देखें जो एक चीज यहाँ पे, अ प्रोग्रामिंग पैराडाइम आर कंसीडर्ड टुगेदर विद एन एक्सटेंशन ऑफ प्रोग्रामिंग स्किल्स टू इंक्लूड रिकर्जन एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो मतलब इन्होंने इसकी जो ए लेवल कंटेंट की वो है मतलब इंट्रो, उसमें इन्होंने डाला है कि जो भी आपकी प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स जो है उनके अंदर आपको जो है वो एक ये वाली दो स्किल्स चाहिए, एक्सेप्शन हैंडलिंग की और जो है वो आपके पास प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स के अंदर एक्सेप्शन हैंडलिंग और रिकर्जन के साथ। तो अब आ जाए आप 19.2 पे, तो इन्होंने पूरा पार्ट यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, शो अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिकर्जन, एसेंशियल फीचर्स ऑफ रिकर्जन पे हमारी डिस्कशन हो गई है, बेस केस वगैरह और रिकर्सिव केस, और हाउ रिकर्जन इज एक्सप्रेस्ड इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे हमारी बात हो गई है। अच्छा, राइट एंड ट्रेस रिकर्सिव एल्गोरिथम्स एंड व्हेन द यूज ऑफ रिकर्सिव एल्गोरिथम इज बेनिफिशियल। तो इस पे पहले हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि हमारे पास जो व्हेन इज द use of recursion is beneficial, to ispe thodi si hum baat kar lete hain. Recursion is a useful technique in programming that is particularly well suited to solving problems that have a recursive structure or can be broken down into smaller similar sub problems. So situations ho sakti hain, few of the situations where the use of recursion can be beneficial is number one, problems with a recursive structure. Some problems have a natural recursive structure where a solution to a larger problem can be derived by solving a smaller version of the same problem. To isme jo hamare paas example include ho sakti hai wo ho sakti hai calculating factorials, hum sab problem nikal ke usko solve karte hain, which we have already done, generating the Fibonacci sequence and traversing a tree or graph. To jab hamare paas aap dekhen jitne bhi past papers hain, jab bhi humne traverse kiya, traverse matlab read through kiya hai ट्री, तो उसके अंदर हमने जो है वो हमेशा रिकर्सिव यूज किया, क्योंकि नॉन रिकर्सिव ट्री ट्रैवर्सल जो है दैट रिक्वायर्स द एडिशन ऑफ स्टैक एंड ऑल, तो वो बहुत टफ हो जाता है, द कोड ग्रोज एज वेल एज इट बिकम्स वेरी कॉम्प्लेक्स। तो सेकंड सिचुएशन वेयर इट वुड बी बेनिफिशियल इज प्रॉब्लम विद repeated sub problems. Some problems involve repeated sub problems that can be solved independently and combined to solve the larger problem. For example, in a special type of programming jisko hum log kehte hain dynamic programming, sub problems are solved once and their solutions are stored for future use. So what basically happens that in every recursive output we store it somewhere, let's say in a data list, or uske baad when we get out of all the recursion
सही है, तो देन वी कंबाइन ऑल द डेटा फ्रॉम दैट लिस्ट एंड देन वी यूज इट. तो अब इसमें देखें थर्ड सिचुएशन ये हो सकती है कि जितने भी हमारे ब्रांचिंग स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि ट्रीज हैं या ग्राफ्स हैं जिनमें से ब्रांच बने, खासतौर पर ट्रीज हैं, उनके अंदर जो है वो रिकर्सिव इज द नेचुरल वे. सम प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व ब्रांचिंग स्ट्रक्चर्स वेयर देर आर मल्टीपल पाथ्स दैट कैन बी टेकन टू अराइव एट अ सॉल्यूशन. रिकर्जन कैन बी यूज्ड टू एक्सप्लोर ईच पाथ एंड फाइंड द ऑप्टिमल सॉल्यूशन. सो इट मींस दैट द रीडिंग ग्राफ्स वुड एक्चुअली बी दिस सॉर्ट ऑफ, कि हम प्रॉब्लम को ब्रांचिंग स्ट्रक्चर्स के तौर पे देख रहे हैं और हमारे पास एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के कई पाथ हो सकते हैं, तो हम सारे पाथ के रिजल्ट्स को हम बाद में कंपेयर करेंगे और रिकर्सिवली हम उनको ट्रैवर्स करेंगे. अच्छा, आपने अभी मेरे साथ वो पढ़ा था डिक्लेरेटिव लैंग्वेजेस. तो डिक्लेरेटिव लैंग्वेजेस में एक चीज होती है बैक ट्रैकिंग. व्हेन इन रूल्स द नेक्स्ट पार्ट इज नॉट एक्चुअली अचीव्ड, वी गो बैक टू द प्रीवियस पार्ट, और प्रीवियस पार्ट में जिस जगह पर हम लोगों ने वहां पे इसको स्टॉप किया हुआ वहां से हम आगे जाना शुरू करते हैं. तो इसको हम कहेंगे कि दीज आर द प्रॉब्लम्स विद बैक ट्रैकिंग. सम प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व मेकिंग अ सीक्वेंस ऑफ चॉइसेस दैट कैन लीड टू अ डेड एंड, इन व्हिच केस द एल्गोरिथम नीड्स टू बैक ट्रैक एंड ट्राई अ डिफरेंट पाथ. रिकर्जन कैन बी अ नेचुरल वे टू इंप्लीमेंट बैक ट्रैकिंग एल्गोरिथम्स लाइक इन डिक्लेरेटिव लैंग्वेजेस. अगर एक हमारे पास किसी भी बेसिकली एल्गोरिथम के अंदर जैसे डिक्लेरेटिव लैंग्वेजेस हैं, उसमें हमने एक रूल डिफाइन किया हुआ है और वो रूल जो है इट इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल पार्ट्स, लेट्स से फोर पार्ट्स. तो व्हेन पार्ट वन इज अराइव्ड वी गेट टू द पार्ट टू, इफ पार्ट टू इज फॉल्स वी गेट बैक टू पार्ट वन जहां पे हमने इसको डिस्कंटिन्यू किया था, वहां से हम आगे पढ़ते हैं, देन वी गो अगेन टू द पार्ट टू. इस तरीके से हम एवरी टाइम वी मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट वी प्रिजर्व वेयर वर वी इन द लास्ट पार्ट सो दैट वी कुड ऑलवेज बैक ट्रैक. सही है. और एक और सिचुएशन हो सकती है प्रॉब्लम दैट आर नेचुरली एक्सप्रेस रिकर्सिवली. सम प्रॉब्लम्स आर नेचुरली एक्सप्रेस इन अ रिकर्सिव मैनर वेयर द सॉल्यूशन टू द लार्जर प्रॉब्लम डिपेंड्स ऑन द सॉल्यूशन ऑफ द स्मॉलर वर्जन ऑफ द सेम प्रॉब्लम. इन सच केस अ रिकर्सिव सॉल्यूशन कैन बी मोर कंसाइज एंड इजियर टू अंडरस्टैंड देन एन इटरेटिव सॉल्यूशन. इन जनरल रिकर्जन कैन बी पावरफुल एंड एलिगेंट टेक्निक फॉर सॉल्विंग अ वाइड वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स, बट इट इज इंपॉर्टेंट टू यूज इट जुडिशियसली एंड अंडरस्टैंड इट्स लिमिट्स. इन पर्टिकुलर रिकर्सिव एल्गोरिथम कैन बी लेस एफिशिएंट देन इटरेटिव एल्गोरिथम्स फॉर लार्ज प्रॉब्लम साइज. सही है ना. एंड मे बी मोर prone to stack overflow errors if not implemented carefully. For example, अगर आप base case proper से नहीं लगा सकें तो फिर stack overflow वाला system आता है, क्योंकि किसी भी operating system में stack का size unlimited कभी भी नहीं होता. So बहरहाल इस पर एक छोटा सा write-up जो है वो I will be sending you over. तो वो मैं आपको जो है वो अभी भेज देता हूँ, उसको अपना पढ़ते रहिएगा. ये मैंने आपको छोटा सा write-up भेजा है for use of recursion in when the use of recursion is beneficial. Acha, show awareness what compiler has to do to translate recursive programming code, use of stack and unwinding. Ab ye wala jo part hai isme thodi si hum baat kar lete hain ki kis tarike se jo hai na wo ye hamara jo compiler hai wo isko deal karta hai recursion ko, fir hum iske paas paper ke kuch questions solve kar lete hain. So when compiling recursive programming code, the compiler must be able to generate machine code that correctly reflects the recursive nature of a program. One of the key challenges in compiling recursive code is managing the stack. I have had enough of a stack while we were talking a few minutes back. So each time a function calls itself recursively, a new activation record is added to the stack. Activation record is the data set which contains information about the function's state and local variables. This state means that where was the function, at which line it is going to be discontinued so that it could be restarted from the same location once again. This can lead to a deep call stack, a stack which is being updated every time there's a recursive call, which can potentially cause a stack overflow error if not managed correctly. What does it mean? Agar aapka base case aisa aapse manage nahi hua, jitna complicated recursion aap likhte hain utna base case jo hai wo complicated hota chala jata hai. Multiple base cases bhi lagte hain. Jaise aap dekhen Fibonacci series ke sath jo hai wo hamare paas do base case the, lekin jo binary search the, sorry jo factorial the, uske sath hamare paas ek hi base case. Start binary search maybe ek hi base case. To avoid stack overflow errors, compilers typically use a technique called tail recursion optimization. In tail recursion optimization, the recursive call is the last statement in the function, and the result of the recursive call is returned directly. This allows the compiler to optimize the code by replacing the recursive call with a jump to the beginning of the function, effectively reusing the same stack frame instead of creating a new stack. This can greatly reduce the amount of stack space required. Stack space ka matlab ho gaya size of a stack, and can also improve performance. In addition to managing a stack, the compiler must also be able to unwind the stack when the recursion is complete. This involves removing activation records, matlab data sets, from the stack in reverse order until the original function call is reached. So this process must be done correctly to ensure that all local variables are properly cleaned up and that control is returned to the correct point in the program. Overall, compiling recursive code requires careful management of the stack and an understanding of how the recursion will be unwound. Tail recursion optimization is a powerful technique that can greatly improve the efficiency of recursive code, but it requires careful implementation to ensure correctness. Theek ho gaya. So basically, this is something jo aapko pata hona chahiye with respect to this awareness of what a compiler to do has to do to translate recursive program, use of stacks and unwinding. So let me forward wala question bhi dekh lete hain. So let's search for few instances of this.
ये देखें स्टेट थ्री एसेंशियल फीचर्स ऑफ द रिकर्जन. अभी जो हमने यहाँ पर ये पढ़ा जो कुछ भी अभी आपने, तो वो आपके सामने है. तो थ्री बेस जो उसके रिकर्जन के फीचर्स हैं, फर्स्ट इज बेस केस, सेकंड इज रिकर्सिव केस, और फिर उसकी अपनी डेफिनेशंस होती हैं जिसमें आप जो है वो उसका यूज फॉर ब्रांचिंग डेटा स्ट्रक्चर्स या सेल्फ रेफरेंशियल डेफिनेशन जिसको कहते हैं. तो थ्री एसेंशियल फीचर्स ऑफ रिकर्जन आर बेस केस, अ रिकर्सिव एल्गोरिथम मस्ट हैव अ बेस केस दैट कैन बी सॉल्व विदाउट रिकर्जन. दिस इज मतलब विदाउट रिकर्जन, जैसे अगर आपके पास एन की वैल्यू 1 होगी तो आप रिटर्न 1 कर रहे हो, उसमें रिकर्जन नहीं थी ना. दिस इज द स्टॉपिंग कंडीशन दैट प्रिवेंट्स द रिकर्जन फ्रॉम कंटिन्यूअली हैपनिंग. द बेस केस इज यूजुअली द सिंपलेस्ट पॉसिबल केस दैट कैन बी सॉल्व डायरेक्टली विदाउट द नीड ऑफ एनी फर्दर रिकर्जन. और दूसरा इसके बाद है रिकर्सिव केस. अ रिकर्सिव एल्गोरिथम मस्ट हैव अ रिकर्सिव केस दैट रिड्यूसेस द प्रॉब्लम इनटू अ सिंपलर सब प्रॉब्लम. इन द रिकर्सिव केस द एल्गोरिथम कॉल्स इटसेल्फ विद अ स्मॉलर और सिंपलर इनपुट एंड कंबाइंस द रिजल्ट ऑफ द रिकर्सिव कॉल्स विद सम अदर कंप्यूटेशन टू ऑब्टेन द सॉल्यूशन टू अ लार्जर प्रॉब्लम. द रिकर्सिव केस इज यूजुअली अ कंडीशनल स्टेटमेंट दैट चेक्स इफ द बेस केस हैज बीन रीच्ड and if not makes one or more recursive calls with the modified input. Modified input ka matlab hai ki n-1 kar liya ya n-1 plus n plus n-2 kar liya fibonacci number mein, is tarike se. Or the third is basically the self referential definition. Ho sakta hai iska answer jo ho wo meri definition se thoda sa different ho kyunki I have got my own understanding. To lekin behar hal aapke paas ek different flavor aa raha hai, but base case aur recursive case to aapke paas definitely hai. Third one is hamare paas jo hai wo hai aapka self referential definition, theek hai na. इसके अलावा अब देखें सेल्फ रेफरेंशियल डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूँ, बट आप जो अनदर एसेंशियल फीचर जो होगा वो हम कॉल ऑफ स्टैक को यूज कर सकते हैं कि यूज ऑफ स्टैक. तो सेल्फ रेफरेंशियल डेफिनेशन क्या हो सकती है? रिकर्जन इन्वॉल्व अ सेल्फ रेफरेंशियल डेफिनेशन. सेल्फ रेफरेंशियल डेफिनेशन का मतलब क्या है कि अ फंक्शन इज कॉलिंग इटसेल्फ फ्रॉम विद इन इट्स बॉडी इन विच द प्रॉब्लम इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ इटसेल्फ. इसको हम बोलेंगे ये रिकर्जन है. दिस मीन्स दैट द सॉल्यूशन टू अ लार्ज प्रॉब्लम डिपेंड्स ऑन द सॉल्यूशन टू अ स्मॉलर वर्जन ऑफ द सेम प्रॉब्लम. द सेल्फ रेफरेंशियल डेफिनेशन इज व्हाट अलाउज द एल्गोरिथम टू रिपीटेडली कॉल इटसेल्फ, ब्रेकिंग डाउन द प्रॉब्लम इनटू smaller sub-problems until the base case is reached. So self-referential definition means calling a function is calling itself from within its body. Ab ek aur jo sakti, another essential feature of recursion is the use of call stack. Ab jo aisa stack hota hai which is basically used by operating systems when a function is calling another function or calling itself, to usko hum kehte hain call stack. Theek hai, acha aise stack ko, call stack ko hum log wala stack bhi kehte hain. जो ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट हमेशा सिस्टम में लोड रहता है उसको हम कहते हैं ना कर्नल, तो कर्नल स्टैक भी कहलाता है. ईच टाइम अ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ रिकर्सिवली अ न्यू स्टैक फ्रेम इज एडेड टू द कॉल स्टैक. स्टैक फ्रेम मींस द डेटा सेट एडेड टू द कॉल स्टैक टू स्टोर द फंक्शंस स्टेट एंड लोकल वेरिएबल्स. फंक्शन स्टेट मतलब कि फंक्शन के अंदर इस वक्त आप किस लाइन पे थे और कहां से आपने कॉल किया. और एक चीज आप ध्यान में रखिएगा कि अगर आपकी एक्सप्रेशन कुछ इस तरह की है, जैसे मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ. फर्ज करें कि नोटपैड में मैं आपको समझाता हूँ. मैंने फर्स्ट करें कि एक फंक्शन है, उसमें ये स्टेटमेंट लिखी हुई है कि वो अपने आपको कॉल कर रहा है. फंक्शन का नाम है फंक्शन ए. ये फंक्शन ए जो है ये एक्सपेक्ट कर रहा है एक्स, सही है. और इस फंक्शन ए में एक्स एक्सपेक्ट कर रहा है और ये रिटर्न करता है इंटीजर. अच्छा, अब इस फंक्शन के अंदर अब जो है वो मैंने जो है कॉल किया इसको खुद को, तो मैंने यहाँ पे लिखा कि रिटर्न. अब एक तो इसमें बेस केस होगा, मैं बेस केस की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ रिकर्सिव केस की बात कर रहा हूँ. मैं पूरा फंक्शन भी नहीं लिख रहा, ये मैं फिक्टिशियस लिख रहा हूँ. मैं आपको एक बात समझाने की जो कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि स्टेटस ऑफ द स्टेट ऑफ द फंक्शन क्या होती है. तो रिटर्न अगर मैंने लिखा, यहाँ पे मैंने एक एक्सप्रेशन लिखी एन मल्टीप्लाई बाई एन पावर क्यूब माइनस ए ऑफ, अब इसको हम इस तरह कह लेते हैं कि बी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस सी स्क्वायर. ये मैंने एक स्टेटमेंट बनाई है. अब आप देखें बेसिकली हो क्या रहा है कि ये एक स्ट्रेट स्टेटमेंट है जिसमें जो n की वैल्यू है वो क्यूब हो रही है. और उसके बाद जो है हमारे पास जब इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, समझ लें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो जब आएगा तो वो फिर ये a अपने आप को कॉल कर लेगा. तो इसको मैंने आपसे क्या कहा था कि दिस इज सेल्फ रेफरेंशियल क्या है, डेफिनेशन है. तो ये ए को कॉल कर रहा है. अब इसमें क्या होगा कि इस फंक्शन की कॉल से पहले ये वाला पार्ट सॉल्व होगा, क्योंकि जब भी कोई एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होती है तो वो लेफ्ट से राइट होती है. सो दिस इज सॉल्व्ड एंड देन ये वाला कॉल होगा. अब इससे जो भी रिजल्ट आता है वो फिर इसमें से माइनस हो जाएगा. लेकिन वॉट इफ दिस पार्ट इज नॉट देयर, रादर ये इस तरह लिखा हुआ है, ठीक है, ये इस तरह लिखा हुआ है. तो अब इस स्टेट में क्या होगा कि जब सिस्टम लेफ्ट से राइट रिजॉल्व करना शुरू करेगा इस एक्सप्रेशन को, जो कि रिकर्सिव एक्सप्रेशन है, तो वो पहले इसको सॉल्व करने चला जाएगा और ये वहीं का वहीं रह जाएगा. जब ये वापस आएगा तो बाकी आधी एक्सप्रेशन रिजॉल्व होगी. तो दिस इज द स्टेट ऑफ द फंक्शन.
ठीक है. सो अगर ये वाला पार्ट जो एक एक्सप्रेशन के अंदर जो रिकर्जन वाला पार्ट है वो अगर नॉन रिकर्सिव पार्ट से पहले है, तो नॉन रिकर्सिव पार्ट जब ये वापस आएगा रिकर्जन करके फिर रिजॉल्व होगा उसके रिजल्ट के साथ. लेकिन अगर नॉन रिकर्सिव पार्ट पहले है तो वो पहले रिजॉल्व हो जाएगा, उसके बाद जो है वो रिकर्जन वाला पार्ट चलेगा. तो माइंड इट कि समटाइम्स द होल एक्सप्रेशन इज रिजॉल्व्ड इन रिकर्जन कॉलिंग एंड समटाइम्स द हाफ ऑफ इट इज, इफ द रिकर्जन कॉलिंग इज फर्स्ट हाफ ऑफ द या स्टार्ट ऑफ द रिकर्सिव एक्सप्रेशन, तो इन दैट केस रेस्ट ऑफ द एक्सप्रेशन इज नॉट रिजॉल्व्ड अंटिल द सिस्टम गेट्स बैक फ्रॉम द प्रीवियस. सो इसका मतलब क्या हुआ, इट इज हाफ डन. सो दिस इज बेसिकली द स्टेट कि किस लाइन से कॉल हुआ था और जब वो वापस आएगा तो उससे अगली लाइन से शुरू करेगा या उसी लाइन के बकिया हिस्से से शुरू करेगा, ये मतलब होता है स्टेट का. ठीक है, तो स्टेट ऑफ द फंक्शन. अच्छा, बहरहाल अब हम फोर्थ फीचर ऑफ रिकर्जन पे बात कर रहे थे कि मैंने आपको कहा था कि अनदर एसेंशियल फीचर ऑफ रिकर्जन इज द यूज ऑफ कॉल स्टैक. ईच टाइम अ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ रिकर्सिवली अ न्यू स्टैक फ्रेम इज एडेड टू द कॉल स्टैक टू स्टोर द फंक्शन स्टेट एंड लोकल वेरिएबल्स. तो स्टैक फ्रेम क्या हो गया, एक सिंगल एंट्री हो गई. द कॉल स्टैक अलाउज द फंक्शन टू रिमेंबर इट्स प्लेस इन द रिकर्जन, ताकि उसको याद रहे कि भाई मैंने तो 1000 बार रिकर्जन करी है तो मैं किस वाली रिकर्जन में कहां पे था, सो दैट इट कैन रिटर्न टू द करेक्ट पॉइंट इन द प्रोग्राम आफ्टर ईच रिकर्सिव कॉल. सही है ना. तो एज द रिकर्जन कंटिन्यूज द कॉल स्टैक कैन बिकम डीप, पोटेंशियली लीडिंग टू द स्टैक ओवरफ्लो एरर्स इफ द स्टैक लिमिट इज एक्सीडेड टू द लिमिट व्हिच इज बेसिकली असाइंड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम. टू अवॉइड दीस एरर्स कंपाइलर्स एंड इंटरप्टर्स ऑफ्टन यूज ट्रेल रिकर्जन ऑप्टिमाइजेशन टू यूज द सेम स्टैक फ्रेम फॉर ईच रिकर्सिव कॉल. ठीक है ना, तो एक ही को इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं. सर हाउ डज इट नो वेयर इट इज इटसेल्फ इज, हाँ तो वो इस तरह होता है ना कि मैंने आपको क्या बताया कि जो स्टैक है आपके पास तो उसके अंदर एक और स्टैक फ्रेम या डेटा सेट एंटर होता है. तो नंबर ऑफ स्टैक फ्रेम्स या नंबर ऑफ स्टैक आइटम्स माइनस वन इज द नंबर ऑफ कॉल्स. जो सबसे ऊपर कॉल है वो लास्ट कॉल है और जो इस वक्त चल रहा है वो अब आखिरी बार चल रहा है. तो उसको खुद ही पता है. अब हो सकता है कि स्टैक फ्रेम में 50 एंट्रीज हुई हैं तो उसका मतलब है वो 51st टाइम रिकर्स करता है. तो स्टैक फ्रेम जो है ना वही बचत है बस, बाकी बचत नहीं होती. अच्छा, एक्सप्लेन द रीजन व्हाई अ स्टैक इज सूटेबल एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप टू इम्प्लीमेंट रिकर्जन. मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो क्यों जो है स्टैक को यूज करता है रिकर्जन को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो ये क्यों सूटेबल है. ठीक है ना, तो अब हम इसमें बात कर लेते हैं. आप इसकी मार्किंग स्कीम देख लीजिए, आपसे मेरा वर्जन सुन लें. तो अब देखें ऑब्वियसली अब स्टैक में क्या होता है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है, ये सबसे बेस्ट पार्ट है. अब इसका एक हिस्सा जो है वो मेरे जहन में ये भी आता है कि वो आपके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी से भी अटैच हो सकता है. तो लेट मी एक्सप्लेन इट. देखें, अ स्टैक इज सूटेबल एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप टू इम्प्लीमेंट रिकर्जन फॉर सेवरल रीजंस. पहला क्या है, स्टैक का अपना नेचर, लास्ट इन फर्स्ट आउट लीफो स्ट्रक्चर. अ स्टैक इज अ लीफो डेटा स्ट्रक्चर व्हिच मींस दैट द लास्ट एलिमेंट एडेड टू द स्टैक इज द फर्स्ट वन टू बी रिमूव्ड, which is natural in recursion. This makes it a natural choice for storing the state of recursive function since each recursion call adds a new frame to the stack, matlab element to the stack, and the most recent added frame contains the most recent state of a function. Then space efficiency. Space efficiency ka matlab ye hua the size of the stack. A stack is a space efficient data structure since it only needs to store the necessary information for each function call. When a function returns, its stack frame is removed from the stack. Stack frame ka matlab kya hua? Element, jo aakhri humne kiya, freeing up the memory. This makes it well suited for recursive function, which can potentially create many nested function calls. Nested ka matlab kya? Ek function apne aap ko dobara call karta chala ja raha hai. O of one ka matlab kya hai? Complexity jo hai, O of one ki rehti hai. Chahe aap insertion kar rahe ho ya deletion kar rahe ho, aap ek stack frame ko add kar rahe ho ya remove kar rahe ho, time remains the same. Adding or removing an element from the top of the stack takes O of one time. O of one ka matlab kya? It remains the same, which means that the time complexity of the recursive function implemented using a stack is often lower than if implemented using other data structures. So, yeah, efficient. This is especially true for languages that have limited stack space. अब हर language जो है ना, हर compiler की अपने हिसाब की space होती है. जैसे Visual Basic वगैरह उसके अंदर बहुत कम होती है, Python में बहुत ज़्यादा होती है. ठीक है ना, तो आप एक हद से ज़्यादा जो है वो stack में frames add नहीं कर सकते, stack overflow अकर कर जाता है, तो efficiently इस्तेमाल होता है. अच्छा, फिर उसके बाद मेरा ये ख्याल है कि जो stack है वो basically simple and intuitive होता है. implementing recursion using a stack is often simple and intuitive since it closely mirrors the way that the recursion works conceptually. अब जैसे आपको जिस तरह concept समझाया जाता है वो खासी natural way है. Each time a function calls itself recursively, a new frame is added to the stack, and when recursion completes, the frames are removed from the stack in the reverse order. This makes it easier to reason about and debug recursive code. ठीक हो गया ना, तो recursive code को हम debug, जब भी हम tracing करने वाले हैं उसको हम देखेंगे. Overall, using a stack as an ADT to implement recursion offers several advantages in terms of space, time efficiency, simplicity, and ease of understanding. अब ये 3 marks का है, मैंने आपको जरा लंबा चौड़ा बताया. आप इसके अंदर से फिर लिखेंगे, number 1 last in first out structure, number 2 space efficiency, minimal इस्तेमाल होती है, फिर आप इसमें time efficiency बताएंगे कि for insertion and deletion it is always O of 1, and simple and intuitive number 4, आप जो भी आपका दिल चाहे. Identify 2 ADTs other than stack. अब ये तो खैर छोड़ दें इसको, इसमें आपके पास क्यू शू या सब कुछ आ जाएगा. अच्छा जनाब, next question pick करते हैं. ये भी वही वाला है. This is basically paper 4.
एक्सप्लेन व्हाट अ कंप्यूटर हैज टू डू. This is paper 419608. Okay. Some algorithms can be written using recursion instead of two features. We had enough for the features. Ab hum wapas aa jate hain. Explain what a compiler has to do to implement recursion. To iska jo hai, aapke paas to matlab 3 marks ka hai. Ab aap mera version sun lein. To basically, to implement recursion, a compiler needs to be able to generate machine code that correctly reflects the recursive nature of the program. ठीक है ना. तो अब इसके अंदर कंपाइलर को क्या करना पड़ता है. इट जनरेट्स फंक्शंस प्रोलॉग एंड एपिलॉग. इसका मतलब क्या हुआ. व्हेन अ फंक्शन इज कॉल्ड अ कंपाइलर जनरेट्स अ फंक्शन प्रोलॉग दैट सेट्स अप द फंक्शन स्टैक फ्रेम एंड लोकल वेरिएबल्स एंड अ फंक्शन एपिलॉग दैट क्लीन्स अप द स्टैक एंड रिटर्न्स द रिजल्ट. अब देखें फॉर रिकर्सिव फंक्शंस द प्रोलॉग एंड द एपिलॉग नीड्स टू बी जनरेटेड फॉर ईच रिकर्सिव कॉल. मतलब क्या हुआ इसका. इसका मतलब सिर्फ ये हुआ कि जब जैसे ही कंपाइलर देखता है कि रिकर्जन है तो सबसे पहले स्टैक फ्रेम क्रिएट करता है, लोकल वेरिएबल्स को मालूम करता है और उसके बाद उसको जो है वो स्टैक के अंदर पुश करता है और जो अभी हमने पिछले फीचर्स इस्तेमाल किए उनको इस्तेमाल करता है. और फिर कंपाइलर क्या करेगा. सेकंडली वो जनरेट करेगा रिकर्सिव कॉल्स. टू इंप्लीमेंट रिकर्सिव कॉल्स द कंपाइलर जनरेट्स कोड दैट मेक्स अ न्यू फंक्शन कॉल टू द सेम फंक्शन पासिंग इन इट द आर्ग्यूमेंट जो भी इनकी जरूरत होती है. ठीक है ना. तो और फिर अब अगर आपको कुछ भी याद ना रहे ना तो उसके लिए सबसे आसान केस क्या हो गया कि आप सबसे पहले लिखेंगे कि कंपाइलर जनरेट्स अ कोड दैट मेक्स रिकर्सिव कॉल्स टू इटसेल्फ. फिर आप लिखेंगे इट हैंडल्स द बेस केस. टू प्रिवेंट इनफिनाइट रिकर्जन द कंपाइलर नीड्स टू हैंडल द बेस केस. फिर आप ये बोलेंगे कि मैनेज द कॉल स्टैक. इट क्रिएट्स द कॉल स्टैक. इट क्रिएट्स द स्टेट ऑफ द इट अंडरस्टैंड्स द स्टेट ऑफ द फंक्शन एंड इट पुशेस इट इन द फॉर्म ऑफ अ स्टैक फ्रेम ओवर द कॉल स्टैक. सही है ना. ओवरऑल इंप्लीमेंटिंग रिकर्जन इन कंपाइलर रिक्वायर्स केयरफुल मैनेजमेंट ऑफ द कॉल स्टैक, द यूज ऑफ रिकर्सिव कॉल्स एंड द बेस केस. And the ability to generate optimized machine code that reflects the recursive nature of the program. Ab iski aap marking scheme dekhiyega for proper short sentences versions. Chalein ji, agla dekhte hain. Log aista aista short hote ja rahe hain. All right. Ab hum aa jate hain programming wale part ke upar. Ab hum yahan aa jate hain. This is basically winter 2-1. October November wala. The recursive algorithm for recursion function is defined in pseudocode as follows. Function recursion a comma b. ठीक है. तो अब इसको dry run करना है. पहले हम इस function को program कर लेते हैं. इसको हम program कर लेते हैं. ठीक है. इसको हम program कर लेते हैं. फिर इसको हम discuss कर लेते हैं. ये हमारे पास फंक्शन है. रिकर्सिव एल्गोरिथम फॉर द रिकर्जन फंक्शन इज डिफाइंड इन सुडो कोड एज फॉलोस. फंक्शन रिकर्जन इसके पास दो वेरिएबल्स आ रहे हैं, इंटीजर और ये रिटर्न कर रहा है इंटीजर. ठीक है. और अगर इसके अंदर जो ए की वैल्यू है वो लेस देन 100 है तो ये रिटर्न कर रहा है 1. अगर ए की वैल्यू लेस देन 100 नहीं है तो फिर ये चेक कर रहा है कि क्या ए बी से ग्रेटर है. अगर ए बी से ग्रेटर है तो ये रिटर्न कर रहा है 5 प्लस रिकर्जन ए माइनस 1 कॉमा बी. और अगर इसके पास ए बी से ग्रेटर नहीं है यानी कि ए बी से या तो बराबर है या छोटा है तो फिर 10 प्लस रिकर्जन ए माइनस 10 कॉमा बी. यानी कि कहने का मकसद ये है कि बी का कोई रोल नहीं है. यहाँ पे आप देखें ए को ही चेक कर रहा है. ए अगर लेस देन 100 है तो 1 है. अगर ए ग्रेटर देन बी है तो 5 प्लस रिकर्जन ऑफ ए माइनस 1 यानी कि यहाँ पर भी ए में चेंज आया, बी का कुछ नहीं गया. और अगर ए अगर ये 10 है तो आपने यहाँ पे देखा कि रिटर्न 10. अगर ये ए जो है वो लेस देन और इक्वल टू बी है तो इन दैट केस इट इज रिटर्निंग 10 प्लस रिकर्जन ऑफ ए माइनस 10. इसमें भी बी का कुछ नहीं गया. तो इसका मतलब ये है कि बी इज जस्ट देयर फॉर कंपैरिजन. तो बी का हमें कुछ भी नहीं करना. ऑब्वियसली आगे चल के आपसे बोलेगा कि इसका इटरेटिव वाला वर्जन बनाओ तो उसमें हमें बी को छेड़ना ही नहीं होगा. तो अगर हम इसमें सिंपली ये लिखेंगे कि इफ ए इज लेस देन इक्वल टू 100 तो हम रिटर्न करा रहे हैं 1. इफ ए इज ग्रेटर देन बी तो हम रिटर्न करा रहे हैं 5 प्लस दिस. सही है. तो अब हमें क्या करना है. कोड फॉर फंक्शन विद द फॉलोइंग सुडो कोड स्टेटमेंट कॉल. विद द फॉलोइंग सुडो कोड स्टेटमेंट कॉल इट. सही है ना. अब ये रिकर्जन के साथ हो रहा है. तो अब हम आ गए यहाँ पर. ठीक हो गया. अब हम इसको उठाते हैं, इसका कोड बना देते हैं. पहले हम इसका कोड देखेंगे, इसका रिजल्ट प्रॉपर से क्या आ रहा है. या मैं इसको 2 मिनट के लिए बंद करूंगा, जावा वाले उसमें स्पेस में खुला हुआ है. मैं इसको दोबारा से स्टार्ट करूंगा. पहले हम उसी को कॉपी कर लेते हैं. अगर आप 3 बार डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन लगाते हैं ना तो इसको हम कहते हैं मल्टी लाइन स्ट्रिंग. और ये टेक्निकली कहलाता है डॉक स्ट्रिंग. तो ये आप इसके अंदर जो है वो पूरे का पूरा सवाल रख सकते हैं ताकि आपको फिर ये याद रहे. तो दिस इज कंसीडर्ड एज अ कमेंट. ठीक हो गया. तो ये पूरा डॉक स्ट्रिंग है. सही है. रिकर्सिव एल्गोरिथम फॉर रिकर्जन. सही है. तो ये हो गया. अब हम यहाँ पर इसको प्लान कर लेते हैं. जब हमने इसको कॉल किया और ये हमने इसको बना लिया. ठीक है. ये मैं पहले बना चुका हूँ.
आज भी शायद मैंने पढ़ाया है क्लासेस में, तो आप ये देखें बिल्कुल सिंपल सा कोड हो गया, इट इज नेचुरली ये पाइथन है तो इट इज बेसिकली रिड्यूस्ड वर्जन। अब आप देखें हमने इसको कॉल किया रिकर्जन ए और बी के साथ, और इफ ए इज लेस देन 100 और तो इट इज रिटर्निंग 1, अगर ए इज ग्रेटर देन बी तो 5 प्लस ही कर रहा है। अब ये रिकर्सिव है, अब इसका जो वो था आउटपुट हमें करनी है तो हम इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिंट रिकर्जन 104, 102, तो ये हमने यहाँ पे रिकर्जन को कॉल किया 104 और 102 के साथ, इसको जो है वो कर लिया। अब इसको पहले सेव कर ले फाइल को, एग्जाम रिकर्जन क्वेश्चन 1, ठीक है जी। अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, तो इसका आप देखें रिजल्ट आपके पास क्या आ रहा है, इसका आपके पास रिजल्ट आ रहा है 21। अब ये 21 कैसे आ रहा है, अब इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो ऑब्वियसली आपने इसको भेजा है 10 और 102 के साथ, जो जब ये 10 और 102 के साथ आएगा तो ये किस तरीके से करेगा, देखें आप सबसे पहले जो कॉल आ रही है वो आ रही है ए जो है और बी जो है, ये दोनों आपके पास है, ए आपके पास आता है 104 और बी जो है वो आपके पास आता है 102। तो अब हम इधर देखते हैं कि ए इज लेस देन 100, नो, ए इज ग्रेटर देन 100, तो एल्स में आ जाएगा ए इज ग्रेटर देन बी, यस, तो हम क्या करेंगे रिटर्न 5। तो अब यहाँ पर रिटर्न्स में ये क्या लिखेगा आपके पास, रिटर्न्स में आएगा 5 प्लस, अब बाकी वाला ये वाला गेम आ जाएगा रिकर्जन ऑफ ए माइनस 1 मतलब 103 कॉमा बी, बी वही का वही है यानी कि 102, सही हो गया। तो ये आ गया आपके पास, अब यहाँ से रिकर्जन अगर होती है दोबारा तो ये सिस्टम स्टेट में ही सेव कर लेगा कि लाइन 21 से 23 से ये क्या है नॉल। अब ये वापस आता है, इस बार इसको क्या रिसीव होगा, यहाँ पे आपके पास रिसीव होगा 103 और यहाँ पे देखें बी के स्टेटस में कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो ए इज लेस देन 100, नो इट इज नॉट, तो फिर ए इज ग्रेटर देन बी, यस इट इज, तो फिर यही वाला केस जो होगा वो यहाँ पे दोबारा बनेगा, लेकिन इस बार जो है वो वैल्यूज में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा क्योंकि ए विल बी माइनस 1, तो अब यहाँ पर ए क्या हो जाएगा 102 हो गया और बी तो होगा वही रहा। अब ये थर्ड कॉल लगी, अब इसको आप कह सकते हैं कि ये कॉल नंबर है, कॉल नंबर, तो अब कॉल नंबर क्या है, कॉल नंबर, तो यहाँ पे जो हमारे पास कॉल नंबर होगा, ये पहली बार हमने कॉल किया है तो ये कॉल नंबर 1 है, ये हमने दूसरी बार इसने रिकर्सिव कॉल किया, ये ओरिजिनल कॉल है, ठीक है, ये रिकर्सिव वाली कॉल है। अब ये आ गया कॉल नंबर 3 के ऊपर, कॉल नंबर 3 में इसके पास क्या रिसीव हो रहा है 102 और यहाँ पर भी रिसीव हो रहा है 102। अब ए इज लेस देन और इक्वल टू 100, नो, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, नो, इट इज इक्वल, तो अब हम आ जाएंगे इधर, अभी हमें क्या रिटर्न करवाएगा 10 प्लस, और अब रिकर्जन के अंदर जो है वो जो आपके पास वैल्यू आएगी वो आएगी ए माइनस 10, ए माइनस 10 का मतलब हो गया ये 102 के बजाय 92 हो जाएगा और 102 वही रहेगा बी। अब ये वाली कॉल आपकी बनी, अब कॉल नंबर 4 हो गई, अब कॉल नंबर 4 हो गई, आपके पास यहाँ पे आया 92 और यहाँ पे आपके पास 102, यानी कि जब हम इसका इटरेटिव वर्जन बनाएंगे तो हम बी को छेड़ेंगे नहीं, हमारी सारी की सारी इटरेशन जो होगी वाइल की वो दैट विल बी अराउंड ए। अब क्या हुआ कि आपके पास ये आ गया अब 92 और अब यह देखें इफ ए इज लेस देन और इक्वल टू 100, यस इट इज, तो हम यहां से 1 रिटर्न करेंगे। अब ये 1 रिटर्न करेंगे, ये कॉल ये जो है ये स्टैक फ्रेम है, ठीक है ना, ये स्टैक फ्रेम है जो हम स्टोर कर रहे हैं। इसमें आप एक चीज का और इजाफा कर ले फंक्शन के स्टेट का कि किस लाइन नंबर से जा रहा था, तो पहली बार देखें ये 23 नंबर से गया, ये भी 23 नंबर से गया, लेकिन ये 25वीं लाइन से गया 25 से, और इस बार जो है इट हैड रिटर्न फ्रॉम लाइन 20th। तो बहरहाल, तो अब ये जो 1 है ये वापस जाएगा कॉल नंबर, अब ये जो यहां से हम यहां तक पहुंचे इसको हम कहते हैं वाइंडिंग, अब हम अनवाइंड कर रहे हैं, ये वाली कॉल खत्म होगी क्योंकि इस पे तो रिकर्सिव केस लगा ही नहीं, ये तो बेस केस था, ये 1 है। अब ये 1 जो होगा ये वापस आएगा और यहाँ से ये रिज्यूम करेगा, तो ये क्या हो जाएगा 1। अब इसका रिजल्ट प्रोड्यूस होगा यहाँ पर, यानी कि वो यहाँ पे पहुंचा हुआ है, इस जगह पे ये पहुंचा हुआ है, इसका रिजल्ट प्रोड्यूस होगा 11। अब ये जो 11 है फिर यहाँ से ये खत्म करेगा और फिर ये 11 लेकर के दोबारा इससे ऊपर वाली कॉल पे जाएगा 2 पे, और यहाँ पर ये दोबारा रिज्यूम करेगा लाइन 23 पर, मतलब स्टैक फ्रेम को वहां से रिमूव करेगा, इसको पहुंचाएगा लाइन 22 से गया था, अब इसको किससे रिप्लेस करेगा 11 से, तो 11 प्लस 5 हो गया आपके पास 16। अब दोबारा ये ऊपर जाएगा, दोबारा लाइन 23 से करेगा और इसको किससे रिप्लेस कर देगा 16 से, तो 5 प्लस 16 क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया 21, और ये जो 21 है ये हमारे पास ये देखें आप प्रिंट हो गया, यहाँ पे आपको ये नजर आ रहा है, ठीक हो गया। तो जब हम नीचे जा रहे थे तो वाइंडिंग हो रही थी और जब हम वापस ऊपर आ रहे हैं तो अनवाइंडिंग हो रही है, ठीक हो गया। तो इस तरीके से हम इसको ट्रेस करेंगे, लेकिन मैंने अनवाइंडिंग में थोड़ा सा ये किया कि मैंने प्रीवियस को ऑल्टर करता चला गया, प्रीवियस ऑल्टर नहीं होता उसको हम नीचे ही लिखते हैं ताकि हमारे एग्जामिनर को पता चले कि हो क्या रहा था। तो ये हो गया, अब आते हैं वापस क्वेश्चन पे, क्वेश्चन में अभी हमने कुछ किया नहीं है। तो द फंक्शन इज कॉल्ड विद द फॉलोइंग सुडो कोड, ड्राई रन द फंक्शन, हमने ड्राई रन कर लिया। अब फंक्शन कॉल ए बी रिटर्न वैल्यू, मैंने वैसे ही बनाया है, लेकिन इसमें बस आप ये ख्याल रखिएगा कि मैंने ये जैसे ऑर्डर कर दिया था ना, आप ऑर्डर नहीं करेंगे, आप रादर नीचे लिखते चले जाएंगे, तो फिर कॉल नंबर 1, 2, 3, 4 होगी, फिर 3, 2, 1 होगी, ठीक हो गया। आ जाए अब आगे, आउटपुट आ गई इसकी आपके पास 21, वर्किंग आप बताएंगे कि ये पहले जो है इस लाइन में जा रहा था। अब इसको आप प्रॉपर देखिएगा अपनी मार्किंग स्कीम में, रीराइट द फंक्शन इन सुडो कोड यूजिंग आइटरेटिव एल्गोरिथम, सही है। तो अब हम जो है वो वापस आते हैं अपने इसके अंदर, अब हम यहाँ पे रीराइट करते हैं, ठीक है। अब हम कर रहे हैं यहाँ पे रीराइट द रिकर्सिव फंक्शन इन सुडो कोड यूजिंग एन आइटरेटिव अप्रोच। तो अब हमारे पास आएगा कि राइट द आइटरेटिव एल्गोरिथम इन पाइथन। तो अब हमने यहाँ पे लिखा डेफ नॉन रिकर्सिव, आइटरेटिव लिखते थे, ठीक है, ये आइटरेटिव हो गया। अब क्या हुआ, अब आप इसमें देखें कि यहाँ पे
ये इसने थोड़ा सा गलत कॉप कर दिया। अब हमने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाना है सी, सी को हम कर देंगे जीरो और यहाँ पे हम लिखेंगे कि सी इज इक्वल टू सी प्लस फाइव, ठीक हो गया। और अगर ये दूसरा केस है, आप इसको ना कंपैरिजन में देखिएगा, ये ऊपर कोड है नीचे कोड है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि c इज इक्वल टू c प्लस 10, ये वाला केस हो गया। अब अगर ये इसे ऊपर है तो हम कर देंगे रिटर्न c। अच्छा, अब इसमें एक चीज हमें और ऐड करनी है, बस वो ये ऐड करनी है, देखें इफ a इज लेस देन और इक्वल टू 100, तो हम यहाँ पर ये हम कर रहे हैं कि If A is greater than 100, तो ये वाला केस चल रहा है। अच्छा, C is equal to 0 को यहाँ पे नहीं लगाना, rather हमें इसको while के बाहर लगाना है, ठीक है। C is equal to 0 को while के बाहर लगाना है और A की वैल्यू को हम यहाँ पर कम या ज्यादा करते चले जा रहे हैं, C में हम 10 करते चले जा रहे हैं और आखिर में क्या होगा कि हमें जो है वो इस वैल्यू में 10 और 5 को एड करना है, तो सही है। अब इसमें जब हम बाहर आएंगे तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि हम जब इसे बाहर आ रहे हैं तो हम यहाँ पर एक चेक और लगाते हैं पहले while के बाद। वो चेक ये है कि इफ इसमें कोई गड़बड़ हो गई है यार, एक सेकंड रुकिएगा। इफ ए इज लेस देन और इक्वल टू 100 देन सी इज इक्वल टू सी प्लस 1, नहीं बल्कि देन सी इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं कि अगर a लेस देन और इक्वल टू 100 है तो हमने c को 1 कर दिया, और अगर वो जो a है वो a से ग्रेटर है तो फिर हमने जो है वो a इक्वल a ग्रेटर देन b है तो a इक्वल टू a माइनस 1 कर दिया, c इक्वल टू c प्लस 5 कर दिया, else में a इक्वल टू a माइनस 10 कर दिया, c इक्वल टू c प्लस 10 कर दिया। और रिटर्न में हम क्या कर रिटर्न कर रहे हैं, हम इसमें रिटर्न कर रहे हैं, मेरा ये ख्याल है कि हम इसमें रिटर्न कर रहे हैं c प्लस a, सही है। Yes, sir, can you make the iterative version from scratch because I want to learn the way you are converting this. Ah. Bete, I have been... Achha, chalo, isko ek baar chala ke toh dekhne ke iska result sahi aa raha hai ya nahi aa raha, phir karte hain. Ab humne isko dobara iske saath call kiya. Ab isko maine comment out kar diya hai. Sahi hai, comment out kar diya hai. Aur ab isko chala ke dekhte hain ke iska result sahi aa raha hai ya nahi aa raha. Ye bhi toh musibat hai ki ho sakta hai result hi sahi na hai. मारने का टाइम आ गया, 103, व्हाट इज रॉन्ग विद इट, सी को हमने जीरो कर दिया, आइटरेटिवली चल रहा है व्हाइल ए इज ग्रेटर देन 100, If a is greater than or equal to b, तो हम यहाँ पे इसको अंदर करके देखते हैं। सर वो return c plus b हुआ मैंने शायद इसलिए। हाँ देखते हैं। C is equal to c plus 5, तो हम इसमें क्या करेंगे? हम a c plus a करके देखें। So let's see. 93 पहले 21 आ रहा था ना रिजल्ट। अब देखें हमने यहाँ पे इसको भेजा था 104 भेजा था, तो सबसे पहले a is greater than 100 है, तो if a is greater than b है तो a को हमने a minus 1 कर दिया और c को c plus 5 कर दिया, ठीक हो गया। इसके बाद जो है वो हमने यहाँ पे देखें रिटर्न क्या कर रहा था, 5 प्लस रिकर्जन ऑफ ये कर रहा था, यानी कि इसने सबसे पहले 1 रिटर्न किया उसमें 5 ऐड हुआ, सही है। फिर यहाँ से 5 रिटर्न हुआ तो 10 में 5 ऐड हो गया, फिर उसके अंदर जो है वो इस तरीके से चल रहा है। तो इसका जो रिजल्ट आ रहा है वो बेसिकली 1 से शुरू हुआ है, 1 इसको रिप्लेस कर गया तो 11 हो गया, फिर 11 प्लस 5 तो ये हो गया 11 प्लस 5, हमने क्या देखा था सबसे पहले ये 1 रिटर्न किया तो 11 हो गया, 11 प्लस 5 16 हो गया, और फिर 16 प्लस 5 जो है वो 21 हो गया। तो ये देखेंगे 5 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 1, तो ये पहले यहाँ से ये इसने सबसे पहले जनरेट किया है, जब ये चलेगा तो सबसे पहले 5 जनरेट करेगा 5, और फिर उसके बाद उसमें 5 ऐड होगा, 5 5 10, फिर उसमें 10 ऐड होगा 20, और फिर 1 ऐड होगा 21। तो इसका मतलब है कि ये सिर्फ 5 रिटर्न कर रहा है। यहाँ पे देखो पहला 5 चला, फिर 5 चला 10 हुआ, फिर रिटर्न हुआ 10, तो इसका मतलब ये हो गया कि हम यहाँ पे सी को 0 चला रहे हैं। अगर a इज ग्रेटर देन b तो c इज इक्वल टू c प्लस 5 हो रहा है, और अगर a इज बेसिकली लेस देन और इक्वल टू देन c इज इक्वल टू c प्लस 10 हो रहा है, और फिर अल्टीमेटली अगर a जो है वो लेस देन इक्वल टू 100 है तो c इज इक्वल टू c प्लस c इज इक्वल टू c प्लस 1 हो रहा है, ठीक है ना। और फिर हम रिटर्न कर देंगे c, हम प्लस a नहीं करेंगे, तो मोस्ट प्रॉब्ली अब ये चल जाएगा।
आपको ना ये इससे देखें यहाँ पर आपको अंदाजा हो रहा होगा, सबसे पहले 5 में 5 प्लस हो रहा है, 10 हुआ, 10 में 10 प्लस हुआ, 20 हुआ, 20 में प्लस 1 हुआ, 21 हुआ, तो देखें 21 रिटर्न हो रहा है। अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो देखें इसका रिजल्ट आ गया 21, सो वी सक्सीडेड। तो आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा बेटे, इसका ना देखें कोई वन सॉल्यूशन फिट फॉर ऑल वाला सिस्टम नहीं है, ये आपको अपनी ऑब्जर्वेशन देखनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे पहले गलत ऑब्जर्व कर लिया था, देखिए रिजल्ट आ रहा है 21, तो इट मींस दैट हमारे पास थर्ड वेरिएबल है, लेकिन बी तो हेल्प वो नहीं हो रहा, बी तो टच ही नहीं हो रहा, सिर्फ हम ए और बी को कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल करें, ए का भी कोई पर्टिकुलर यूज नहीं। आप देखें उसका रिजल्ट हमारे पास इस वाली रिकर्शन का आया था 21। यहाँ पे आप देखें जब ये लूप चल रहा है तो पहले इसके अंदर 5 ऐड हुआ, 5 में 5 ऐड हुआ, 10 हुआ, 10 में 10 ऐड हुआ, 20 हुआ, फिर 1 हुआ। तो इसमें देखें मैंने क्या निकाला इसको, कि ए जो है वो ग्रेटर देन 100 है, तो फिर हमें चेक करना है कि ए ग्रेटर देन बी है, तो ए में से हमने 1 माइनस कर दिया, लेकिन सी में हमने 5 ऐड कर दिया, देखिए 5 ऐड हो गया। ये सी का कॉलम चल रहा है, सी सी एज इन इंक्लूसिव, इंक्लूसिव प्रीवियस वैल्यू प्लस न्यू। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ गया, और अगर ये ग्रेटर देन बी नहीं है, लेस देन और इक्वल टू है, तो सी में हमने 10 ऐड कर दिया, और अल्टीमेटली हमने जब ए की वैल्यू 100 से कम हो गई तो हमने सी में 1 ऐड कर दिया। तो अब हम यहाँ पे जो है ना वो दोनों फंक्शंस को साथ साथ टेस्ट कर लेते हैं, तो हम यहाँ पे जो है वो टेस्ट कर लेते हैं, टेस्ट बोथ फंक्शंस, ठीक है, ये हम टेस्ट कर लेते हैं, लूप के साथ कर ले या अलग अलग कर ले, दोनों को एक साथ ही कर लेते हैं, ये हमने रिकर्जन वाला कर लिया, ये हमने आइटरेटिव कर लिया, ठीक हो गया। तो अब इसको सेव करते हैं, और अब देखें ये रिकर्जन वाला है, ये आइटरेटिव वाला है, ये दोनों जो है वो आपके पास मौजूद है, इसको हम तो ये देखें दोनों का रिजल्ट आ रहा है 21। तो अब भावेश आपके लिए बेसिकली आपको ये आउटपुट ऑब्जर्व करनी होगी अपने इसके साथ, तो फिर जब आइटरेटिव जाएंगे तो ऑब्वियसली फिर हमें जो है इसका नेचर देखना पड़ेगा कि व्हाट वी आर एक्चुअली डीलिंग विद। तो आई हैव रियलाइज्ड दैट नथिंग इज चेंजिंग इन बी, तो बी रिमेंस व्हाटएवर इट इज, ए इज बीइंग चेंज्ड एंड द चेंज इन द ए इज बेसिकली मेकिंग द आइटरेशन रन और स्टॉप, सही है, बट ए स्टिल हैज नथिंग टू डू विद द रिजल्ट, रिजल्ट इज ओनली द सी, द पार्ट व्हिच इज बेसिकली मेंशनड ओवर हियर इन कांस्टेंट्स। पहले इफ ए इज ग्रेटर देन बी देन बेसिकली 5 इज बीइंग एडेड टू व्हाट प्रीवियस वैल्यू, तो 5 + 5 + 10 + 1, तो दिस इज हाउ आई ऑब्जर्व के सी इज बेसिकली अनदर वेरिएबल व्हिच इज बीइंग एडेड विद 5 इफ ए इज ग्रेटर देन बी, विद 10 इफ ए इज लेस देन और इक्वल टू बी, एंड विद 1 इफ ए इज अल्टीमेटली लेस देन 100, देन इट एंड्स। गॉट इट सर, सी हैज रिप्लेस्ड द रिकर्सिव फंक्शन इन अ सेंस, यस वंडरफुल वंडरफुल, यू हैव पुट इट वंडरफुली, सो सी हैज बेसिकली चेंज द रिकर्सिव फंक्शन। अब मैं इसकी जो एक जो है वो सो दिस इज विंटर 21 क्वेश्चन 42, सेम क्वेश्चन है 41 में भी 42 में भी, क्वेश्चन 1 है, इसके अंदर जो है वो हमें ये एक फंक्शन दिया हुआ है, रिकर्सिव है बाई नेचर, आपको कैसे पता चल रहा है कि ये इसके अंदर अपनी खुद ही रिकर्जन चल रही है, अपने आपको खुद ही कॉल कर रहा है ये, ठीक है ना। तो जो हम लोग टर्म इस्तेमाल कर रहे थे कि ये जो है अपने आपको खुद ही कॉल करता है, इसको हम कहते हैं सेल्फ रेफरेंशियल डेफिनेशन, सेल्फ रेफरेंशियल डेफिनेशन, यानी कि अ फंक्शन इज कॉलिंग इटसेल्फ फ्रॉम विदिन इट्स बॉडी। तो हम जो है इसको यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, तो ये एक सिंपल सा फंक्शन है, अगर x की वैल्यू, ये बिल्कुल वैसा ही उसी टाइप का, ये इसमें भी हमें ऑब्जर्वेशन अपनी जो है ना वो रखनी होगी कि ये किस तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, ये एक सिंपल सा फंक्शन है आपके सामने है, इस फंक्शन को हमें उठाना है और इसका हमें बनाना है आइटरेटिव, पहले तो हम इसका उसका पाइथन का कोड बनाएंगे, फाइल आ गई सही, इसके अंदर मैं इसको कॉपी करता हूँ, आई विल शेयरिंग इट, सो लेट्स मेक अ पाइथन कन्वर्जन ऑफ अबव सुडोकोड, ठीक हो गया। तो अब हम इसके अंदर लिखेंगे कि डेफ अननोन और x कॉमा वाई, तो ये आ गई इसकी एग्जैक्ट कॉपी, ठीक हो गया। तो इफ x इज लेस देन y, देखें यहाँ पे देन आउटपुट x प्लस, तो हमने यहाँ पे x प्लस y को प्रिंट कर दिया और रिटर्न कर दिया हमने, इसमें ये आ गई आपकी सेल्फ रेफरेंशियल कॉल, अननोन आ गई x प्लस 1 कॉमा वाई इंटू 2। एल्स में आ जाते हैं, तो इफ x इज इक्वल टू y देन रिटर्न 1, एल्स में हम आ जाते हैं तो आउटपुट जो है वो कर रहा है यानी कि प्रिंट कर रहा है x प्लस वाई और फिर रिटर्न कर रहा है अननोन x माइनस 1 कॉमा वाई और डिफ 2, तो ये इसकी होगी लिटरल कन्वर्जन। अब आपका सवाल क्या कहता है, आपका सवाल कहता है कि राइट प्रोग्राम कोड टू डिक्लेयर द फंक्शन अननोन, या आपने प्रोग्राम कोड बना लिया। अब हम आ जाते हैं इसके सेकंड पार्ट पे, द मेन प्रोग्राम नीड्स टू रन ऑल थ्री फॉलोइंग फंक्शन कॉल्स, ठीक हो गया। तो अब आप वापस आ जाएं इसके ऊपर, फिर इसमें हम मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स डाल देते हैं, तो अब हम फॉर ईच ऑफ द थ्री फंक्शन, ठीक है ना, मेक फंक्शंस मेक अ कॉल, ठीक हो गया। तो ये आ गए हमारे पास, तो सॉरी दोबारा कॉपी हो गया ये। अब आ जाए यहाँ पर हम 10,15 पे भी इसको कॉल करनी है, फिर हमें 10,10 पे भी कॉल करनी है और फिर हमें 15,10 पे भी कॉल करनी है। इसके बाद जो है वो हम जो है इसको चला के देखते हैं, लेट्स सेव इट एंड एग्जीक्यूट इट। अब देखिए हमारे पास जो रिटर्न्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं, सेकंड रुकिएगा, पूरा नहीं दे रहा ना,
पहली कॉल है, हम यहाँ पर प्रिंट करते हैं, इनकी कॉपी बना लेते हैं ताकि पता भी चले कि ये कॉल जो है वो कौन सी हो रही है। सही है। अब देखें ये जब अननोन 10.15 चल रहा है तो हमारे पास आ रहा है 25, 26, 27, 28, 29, 32। फिर अननोन 10.10 चल रहा है तो यार है हमारे पास 1। फिर अननोन 15.10 चल रहा है तो हमारे पास आ रहा है 25, 24, 23, 22, 21 और फिर 0 आ रहा है। ठीक है, तो अब हम इसमें ऑब्जर्वेशन लेते हैं, कोशिश करते हैं। 10.15 जो है ये 25 हो रहा है, तो 25, 26, 27, 28, 29 आ रहा है, फिर 32 आ रहा है। ये 10.10 है तो 1 आ रहा है, 15.10 है तो 25, 24, 23, 22, 21। अब देखें कितनी आइट्रेशन चल रही है, ये 1, 2, 3, 4, 5 और फिर रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, इस जब 10.10 दोनों बराबर है तो एक आइट्रेशन चल रही है, अभी दोनों बराबर नहीं है तो 1, 2, 3, 4, 5 और फिर रिजल्ट आ रहा है। तो इसका मतलब इंटरनली इन दोनों, अगर ये दोनों में डिफरेंस है तो इनके एडिशन का लेके यहाँ पे 5 times ये चल रहा है और फिर एक एक ऐड हो रहा है। अगर ये दोनों बराबर हैं तो रिजल्ट आ रहा है 1, और अगर ये दोनों डिफरेंट है तो फिर इनके एडिशन से लेके ये यहाँ पर, अगर देखें अगर पहला नंबर दूसरे नंबर से छोटा है तो ये आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, मतलब 25, 26, 27, 28, 29 आ रहा है। अगर पहला नंबर दूसरे नंबर से बड़ा है तो ये पीछे जा रहा है 25, 24, 23, 22, 20। इनिशियल ऑब्जर्वेशन है, इफ द फर्स्ट नंबर इज लेसर देन द सेकंड नंबर देन देयर एडिशन टू 5 times iterative इट इज गोइंग 1 इन द सीरीज, इफ दे बोथ आर द सेम तो द रिजल्ट इज 1, इफ द फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन द प्रीवियस नंबर देन इट इज गोइंग बैकवर्ड फ्रॉम द एडिशन ऑफ दिस नंबर्स 5 times एंड देन देयर इज अ रिजल्ट। सो लेट्स सी, ये हमारे पास एक ऑब्जर्वेशन आ गई है, अब आगे चलते हैं देखते हैं इसमें क्या पड़ रहा है। अच्छा, फॉर ईच ऑफ द थ्री फंक्शंस कॉल द मेन प्रोग्राम नीड्स टू आउटपुट द वैल्यू ऑफ द टू पैरामीटर्स, कॉल द फंक्शन विद दोस पैरामीटर, आउटपुट द रिटर्न वैल्यू। हमने कर लिया, टेक अ स्क्रीनशॉट, रीराइट अननोन एज एन आइटरेटिव फंक्शन, आइटरेटिव अननोन फंक्शन। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि अगर हम जो है वो, अब इसको हम किस तरीके से करेंगे, कहाँ लिखा हुआ है, द आइटरेटिव फंक्शन नीड्स टू बी कॉल्ड थ्री टाइम, टेक टू पैरामीटर्स और सॉरी, अच्छा रीराइट, लेट्स रीराइट। अब देखें यहां पर आके हम इसको रीराइट द फंक्शन एज एन आइटरेटिव फंक्शन, सही है। तो अब हम इसको वही होगा एज द रिकर्सिव फंक्शन, द आइटरेटिव फंक्शन शुड बी यूज, नहीं हमें इसमें स्टैक की हमें जरूरत नहीं है। तो अब हम यहां पर लिखते हैं डेफ, अब हमारे पास फंक्शन का क्या नाम था, आइटरेटिव अननोन फंक्शन। देखें अब क्या किया, व्हाइल एक्स इज लेस देन वाई, अगर x की वैल्यू हमारे पास लेस देन y, ये आइटरेटिव है, तो अब क्या होगा कि x और y को हम ऐड करेंगे और x एक एक आगे करके आगे बढ़ता रहेगा और y की जो वैल्यू होगी y इंटू 2 होती चली जाएगी। अच्छा, अगर ये दोनों बराबर हैं तो वो सिंपली रिटर्न कर रहा है 1, अगर x ग्रेटर है तो पहले हमने किया और फिर x की वैल्यू कम होती गई और x जो है वो, सॉरी y जो है वो डिफ 2 होता चला गया। अच्छा, अब पहले इसको चला के देखते हैं, फिर इस वर्किंग, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं और अल्टीमेटली हमने रिटर्न y करना है। तो हमारे पास while x is less than y आ गया, इसमें हमें y लगाने की जरूरत नहीं है, इसमें हम सिंपली लगाएंगे if, और अगर इसके बाद जो है ये अलग कर लेते हैं, ये अलग कर लेते हैं, और अगर while x is greater than y तो हमारे पास ये आ गया और फिर हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे रिटर्न y। ठीक हो गया, क्योंकि अल्टीमेटली हमें एक, देखें अगर आपको याद हो तो जब हम इसको अभी रन कर रहे थे तो एक रिजल्ट जो था, जब वैल्यू डिफरेंट आ रही थी तो ये तो आ रहा था वो जो रिजल्ट था, और अल्टीमेटली एक आपके पास आउटपुट आ रही थी, ये वाई। अगर दोनों बराबर हैं, इसको यहाँ पे देखें, अगर ये छोटा है तो इनके एडिशन से फिर आगे बढ़ रहा है। देखें ये छोटा है ना, 10, 15 से छोटा है, इसको इसके साथ जरा कंपेयर करें, इस वाले पार्ट के साथ 10 आएगा एक्स में और 15 आएगा वाई में। अब ये दोनों के एडिशन से कहानी शुरू होगी, प्रिंट करना शुरू करेगा, एक्स बढ़ रहा है एक एक करके, एक्स पहले 1 था फिर 2 हुआ फिर 3 हो गया फिर 4 हो गया फिर 5 हो गया, ये आ गया फिर 32 आ गया, तो वाई इज इक्वल टू वाई इनटू 2 हो रहा है, इसका रिजल्ट प्रॉपर से आएगा नहीं, तो ये आ रहा है 32। ठीक है, y into y into y हो रहा है, y into y into y नहीं होना चाहिए, हमें इसमें भी थर्ड वेरिएबल चाहिए होगा, तो ये 32 हो रहा है। अच्छा, इसके बाद जो है हमारे पास, अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये 10 into 10 हो रहा है, और अगर दोनों बराबर है तो रिटर्न ये क्या कर रहा है, 10 is equal to 10 हो रहा है, तो ये रिटर्न कर रहा है 1। इसके बाद हमारे पास x की वैल्यू, अगर मतलब जैसे ये वाला पार्ट है इससे बड़ी है तो x, अब ये रिवर्स चलेगा, तो x इसमें कम होता चला जा रहा है और यहाँ पे ये आ रहा है। तो अब हम जो है वो y के बजाय यहाँ पर एक और वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, उसको हम कह लेते हैं z, इसको हम कर लेते हैं 0। ठीक है, अच्छा अब ये देखेंगे क्या हो रहा है कि यहाँ z को 1 कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम इसको 0 कर देंगे तो फिर तो ये हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा z is equal to z into 2, तो every time it is repeating, तो ये हो जाएगा 1 into 2, 2 into 2,
4 into 2, 8 into 2, 16 into 2, 32. सही है, सही है। और इसके बाद जो है यहाँ पे तो खैर जी का कोई केस ही नहीं है, यहाँ पे इसने डायरेक्ट रिटर्न वन कर दिया, यहाँ पे जी का केस बनेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे आप देखें अल्टीमेटली जो आपके पास आंसर आ रहा है वो आ रहा है जीरो। तो इसका मतलब है कि जो जी है वो अपने आप से छोटा होता चला जा रहा है। यहाँ पे हम कर देते हैं जी, ठीक है। तो वाई को हमें छेड़ना ही नहीं है, हम तो एक थर्ड वेरिएबल रख के उसको करते हैं। तो यहाँ पर भी ये हो रहा है कि वाई से कुछ भी नहीं हो रहा, एक्स की वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है। बिल्कुल ये जिस तरह अभी हमने पिछला वाला किया था उसी तरीके से हम कर रहे हैं कि एक्स की वैल्यू चेंज होती चली जा रही है, कम होती चली जा रही है, और अल्टीमेटली हमारे पास 32 आ रहा है। अगर दोनों बराबर है तो 1 आ रहा है। यहाँ पे एक्स की वैल्यू जो है वो चेंज होती चली जा रही थी आगे की तरफ, यहाँ पे कम होती चली जा रही है, और यहाँ पे जो जी है उस हिसाब से वो अपने आप से जितने टाइम ये लूप चल रहा है उसने टाइम्स वो इंक्रीज करता चला जा रहा है। तो यहाँ पे जी जो था वो जी 1 था, तो 1 इंटू 2 हो गया, यहाँ पे 2 इंटू 2 4 हो गया, 4 इंटू 2 8 हो गया, 8 इंटू 2 16 हो गया, 16 इंटू 2 32 हो गया। ऑलराइट, सो यहाँ पर जो जी है वो अपने आप से मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पे जो जी है वो अपने आप को जो है वो डिवाइड करता चला जा रहा है और उसका जो है वो डिव लेता चला जा रहा है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर ये जीरो बना रहा है, ठीक हो गया। तो अब देखते हैं इसके रिजल्ट क्या आ रहे हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। ये बेसिकली For each of the three calls, Mohammed Usman, do we really have to understand the code to translate? Can't we just iterative directly? बेटा अगर iterative direct देखें, suggestive मैं coding अगर आपकी तरफ जाएंगे तो आप कभी भी नहीं कर सकते। आप इसमें देखें, observe करें कि इन्होंने पिछले वाले question में भी, जो recursion वाला question था, और इस वाले question में भी तीन variables use किए हैं। दो जो है वो comparison के लिए इस्तेमाल किए और एक जो है वो result की oriented है। तो ये आपको understand करना पड़ेगा, जिस तरीके से मैं भी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ना, आपको भी ऐसे ही करना पड़ेगा। So you need to be observant about it. तो अब आप देखें, द आइटरेटिव फंक्शन नीड्स टू बी कॉल्ड 3 टाइम्स विद द सेम पैरामीटर्स। तो अब आ जाएं, सही हो गया, अब आ जाएं वापस अपने कोड में। तो यहाँ पे सही है, अमेंड द मेन प्रोग्राम। अब आप आ जाओ, आइटरेटिव था यहाँ पे, आइटरेटिव अननोन है, ये हमने कर लिया। फिर उसके बाद आप आ जाए 10:15 था, फिर क्या था 10:10 और वो सही है। अब आ जाएं आप 10:10 की तरफ, इसको कर लिया कॉल, फिर आपके पास आ गया 15:10, सही है। तो एक बार मैंने उसको डबल कोटेशन में रखा हुआ ताकि उसकी हेडिंग बने, और दूसरी बार जो है उसको मैंने सॉल्यूशन की तरफ रख दिया। इसको कॉपी कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं, अब इसको रन करते हैं। अच्छा एक सेकेंड, ये डबल चल रहा है, इसको हम जो है वो टर्न कर देते हैं कॉमेंट्स में, सही है। इसको हमने टर्न कर दिया कॉमेंट में, हम सिर्फ अब आइटरेटिव वाला चलाते हैं, देखते हैं इसके रिजल्ट भी वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब देखें जब ये 10 छोटा है तो 25, 26, 27, 28, 29 और 1 आ रहा है, इसको 32 आना चाहिए था। यहाँ पे भी ये 1 आ रहा है और यहाँ पर ये 25, 24, 23, 22 है। अब ये पता है क्यों आ रहा है, इसका रीज़न ये हुआ है कि जब ये यहाँ से बाहर निकल रहा है ना, तो ये बेसिकली फिर यहाँ पहुँच जाता है। इसका मतलब है कि हमें यहीं से रिटर्न करा देना चाहिए जी, रिटर्न जी, और यहाँ से भी हमें जी को रिटर्न यहाँ अंदर से करा देना चाहिए। अब आप देखें, अब ये बिल्कुल सही हो गया। अगर ये एक्स लेस देन वाई होगा तो ये चलेगा, फिर रिटर्न होगा। अगर ये एक्स इक्वल टू वाई होगा तो ये 1 रिटर्न कर देगा, नहीं तो ये रिटर्न कर देगा। अब देखें इसमें एरर नहीं आएगा, और ये तो एक ही बार में काम पूरा हो गया इसका। अब इसका कुछ करना पड़ेगा, रिटर्न ही करना पड़ेगा। सबसे पहले हम ये कर लेते हैं कि हम इसको जो है इसको सबसे पहले रख लेते हैं ताकि हमारा मसला ही हल हो जाए। इसको हम सबसे पहले रख लेते हैं, अगर x इजिकल टू y तो हमने रिटर्न 1 कर दिया ताकि अब ये मसला ही हमारा खत्म हो जाए। z इसको 1 किया, इसके बाद हमने ये चला लिया, नहीं तो हमने इसको चला लिया और इसको हम बाहर ले आते हैं, ठीक है। अब चलेगा ये, सके मसला ये कर रहा था कि जब एक लूप से बाहर निकल रहा था तो फिर वो x इजिकल टू y पे रिटर्न 1 कर रहा था। अब देखें ऐसा होना नहीं चाहिए, अगर ये वाला लूप चलेगा तो z की वैल्यू डिफरेंट होगी, ये वाला लूप चलेगा z की वैल्यू डिफरेंट होगी, और उसके बाद अल्टीमेटली हमारे पास z आउटपुट हो जाएगी। अब देखें बिल्कुल सही चल रहा है, एक सेकंड इसको क्लीन कर लेते हैं, स्पेस को फिर रन करते हैं। देखें आप, आइटरेटिव अननोन है, 10, 15, 25, 26, 27, 28, 29, 32 परफेक्ट। अगर दोनों बराबर हैं तो 1 परफेक्ट, अगर पहला वाला बड़ा है तो 25, 24, 23, 22, 21 और ये 0 परफेक्ट, ठीक हो गया। सो बेसिकली यू नीड टू बी वेरी मच अक्वेंटेड विद दिस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस। सो दिस इज बेसिकली द मोस्ट वी कैन डिस्कस अबाउट इट। तो ये पूरा हो जाता है ये।